दोस्तों नमस्कार, कैसे हो बच्चों? आप नीट 2020 के प्लेयर कैसे हो बच्चों? इस समय 3 मई की रात के 8 बज रहे हैं। काश ना आता कोरोना तो आज हम 3 मई को दोस्तों एग्जाम देके इस समय हमारे नंबर जोड़ के 690 और जोड़ जाड़ के बस मस्ती के मूड में होते। खैर एनीवे, जैसा देश वैसा भेष, जो ईश्वर को मंजूर, जो विधि का विधान, कोई बात नहीं दोस्तों। फिर भी हमें रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। ये वीडियो शूट मैं कर रहा हूँ 3 मई की रात को 8 बजे। ये आपको मैं बताना चाहूँगा, हमने आपसे वादा किया था कि नीट 2013 से 2019 तक के फिजिक्स के पेपर का वीडियो सॉल्यूशन अपलोड कर दिया, केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गन का वीडियो अपलोड कर दिए। परसों 5 तारीख से बायोलॉजी के वीडियो सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएंगे नीट 2013 से 2019 तक के, जो आपके पास 10 मई तक आ जाएंगे। उसके बाद मैं अब आपसे आपके साथ दूसरी चीज़ कर रहा हूँ। आप याद करो कि अपने इस बार जुलाई अगस्त में फिजिक्स पंच के नाम पे 20 टेस्ट करवाए, कुल तो 25 थे, 5 तो माइनर थे, हमने 20 टेस्ट करवाए थे। यानी पूरी फिजिक्स को 20 टॉपिक में हमने रिवाइज किया, जिसको हमने फिजिक्स पंच के नाम पे दिया था। तो हम कहेंगे 20 एपिसोड आपको दूंगा मैं, एक इस एपिसोड में 40 से 45 क्वेश्चन होंगे, मान लो 40 क्वेश्चन है, 20 एपिसोड है, 800 क्वेश्चन लगभग आपको मैं सोल्व करके दूंगा। कुछ आपको मैं सोल्व कराऊंगा, कुछ टॉपिक्स मेरी टीम के द्वारा सोल्व करा के आपके बीच में लेके आऊंगा। आज हम 2/20 एपिसोड 2/20, यानी टोटल 20 एपिसोड में आज हम सेकंड एपिसोड को शूट करने जा रहे हैं, जिसका हेडिंग है रिलेटिव मोशन इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके डियर, इंस्ट्रूमेंट इसमें है, वर्नियर कैलिपर्स वगैरह है, आपका रिलेटिव मोशन है और परवलय पथ की गति है, इन पे हम बात करेंगे। आज हमारे पास टोटल 42 के आसपास क्वेश्चन है, जिनकी बात आपसे मैं करने जा रहा हूं। स्टार्ट करें, पक्का आ जाओ। पहला क्वेश्चन पढ़ते आपके पता लग गया दोस्तों, फर्स्ट एपिसोड में नदी नाव के सारी डिस्कस आपसे मैं कर चुका था। अब सीधा टेक करता हूं क्वेश्चन पे, आओ प्रश्न पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ लिया, आ जाओ। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन बड़ा स्पष्ट कह रहा है कि यह एक नदी है ना। एक आदमी शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर रहा है, नदी की चाल है दोस्तों 2। नदी को अक्सर यू से कहते हैं, नदी है 2 किलोमीटर पर आवर, कोई खास आवर सेकंड क्या फर्क पड़ता है, जो भी अगला कहेगा निकाल देंगे। अब वो कहता है व्यक्ति अपने प्रारंभिक बिंदु के ठीक विपरीत बिंदु पहुंचना चाहे। हेलो भाई, कलर चेंज कर ले। आदमी यहां से यहां पहुंचना चाहता है, ये कंडीशन आपको मैं कल समझा चुका हूं। आप देखो जाके एपिसोड 1 में, 2 ही कंडीशन है, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम टाइम। दिस इज मिनिमम डिस्टेंस दोस्तों। ऐसा तभी हो सकता है जब ये व्यक्ति किसी थीटा डिग्री के कोण पे या इंटर करे। और इसका वेलोसिटी क्या है? 3। तो इसका स्पीड है 3। तो इसका दोस्तों ये कंपोनेंट होगा 3 cos थीटा, और इसका ये कंपोनेंट होगा 3 sin थीटा। और जानते हो दोस्तों, ये कंपोनेंट हमेशा नदी के वेग के साथ बैलेंस होता है। 2 कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट नदी पार करवाता है और एक नदी के साथ बहने के एडजस्ट करता है। ओके डियर, तो ये देखो 3, ये 3 cos थीटा, ये 3 sin थीटा, u = 2, कोई दिक्कत नहीं। नदी की चौड़ाई कितनी है? 500 मीटर। बस आपको क्या निकालना भाई? टाइम निकाल, इसको मिटा दूं मैं, इसकी जरूरत नहीं मेरे को। आ जा, सबसे पहले 3 sin थीटा = 2। अब देखो दोस्तों, एंगल नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, एंगल बना लेंगे अपने स्थिर। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 2/3। तो पूरी क्लास ध्यान दे, साइन क्या होता है? लंबटेकरण, ये 2 ये 3, तो ये क्या आ गया रे? √5, याद है ना, 9 - 4 = 5, √5 आ गया, ए लड़के, तो cos थीटा का मान क्या हो गया? cos थीटा का मान क्या हो गया? √5/3। क्लियर? अब तेरे को क्या चाहिए? नदी पार करने का समय चाहिए। हम जानते हैं भाई वेलोसिटी इक्वल टू क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा रे? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो कलर चेंज कर लो ताकि तो कंफ्यूज नहीं हो। डी कितना है? 500। वी कितना है? 3 cos थीटा। हेलो, 3 नहीं, नदी पार कौन करवा रहा है? उसके कंपोनेंट कितना? 3 cos थीटा। ये ले 3 cos थीटा। थोड़ा सा मैं तेरी चीज को यहां सोल्व कर तेरे लिए, तो ये 500 और दोस्तों 3 cos थीटा, cos थीटा कितने आ रहे? √5/3। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये देख तेरे लिए क्या हो गया भाई? 5 × 100/√5। ठीक है, अब ऐसा कर, ये √5 है, इसको √5 √5 कर दे, तो √5 से √5 कैंसिल आउट हो जाएगा डियर। ठीक है डियर, अब ये 500 मीटर, हाँ अपने एक यहां गलती जल्दी करके, ये 500 मीटर है, तो 500 मीटर का मतलब ये 0.5 है। ठीक है डियर, तो ये 0.5 मीटर का मतलब क्या हुआ?
500 मीटर में आप ऐसा करें, इसमें 1/1000 से डिवाइड कर दो लो यार, मीटर किलोमीटर में चेंज कर लो, क्वेश्चन आंसर देख के, ये लो ये कितना हो गया आपका 10। तो अब आप खुद देखो, ये √5 × √5 / √5 / 10 ये तेरा कैंसिल आउट हो गया, तो √5 / 10 ये लो भाई कौन सा आंसर आ गया, फर्स्ट आंसर आ गया। मैं बिल्कुल आपके सामने क्वेश्चन को पूरा सोल्व करते हैं ताकि एक नेचुरल प्रोसेस के साथ क्वेश्चन आपके सामने हो। ओके डियर, थैंक यू। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आप देखो, अपना जो पहला एपिसोड उसमें हो चुका क्वेश्चन, पर दोबारा है, दोबारा करेंगे इसके ऊपर। देखो दोस्तों, ये वो नदी नाव का क्वेश्चन, बहुत ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है कि एक आदमी सड़क पे बारिश से, नदी नाव मान लो, बारिश छाता मान लो, फिक्स क्वेश्चन होते हैं ये, तो ये बारिश छाता का क्वेश्चन है। अगला कहता है, एक आदमी सड़क पे बारिश से बचने के लिए 30 डिग्री से ऊर्ध्वाधर कोण पे छाता पकड़े हुए है, वो छाते को फेंक के 10 किलोमीटर से दौड़ना प्रारंभ करता है, तो बारिश की बूंदें उसके सिर पे ऊर्ध्वाधर गिरती हैं, तो बारिश की बूंदों की गति चलते व्यक्ति के सापेक्ष रेन विथ रिस्पेक्ट मैन VRM निकालना है। क्लियर? ओके, पेज खाली करे सुनील सर, आप लो डियर, आपको पूरा समझा दूं मैं। देखो दोस्तों, ये जमीन है, ये बंदा यहां खड़ा है, तो इसको बारिश ऐसे आती हुई दिखाई दे रही है, कितने एंगल पे भैया, 30 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। दिस इज VRG, रेन ग्राउंड के सापेक्ष। जब ये बंदा दोस्तों चलना स्टार्ट होता है, तो दिस इज वी मैन ग्राउंड के सापेक्ष। जैसे चलना स्टार्ट होता है, तो इसको बारिश ऊर्ध्वाधर ऊपर से आती दिखाई देती है, तो ये वी रेन मैन के सापेक्ष। क्लियर? वो इसको समझना बहुत जरूरी है, मैं सीधा भी कर सकता हूं इसको लेकर, समझे, वो रेन ग्राउंड के सापेक्ष, ये मैन ग्राउंड के सापेक्ष, और ये रेन मैन के सापेक्ष। क्लियर? आपको क्या निकालना है, कलर चेंज कर दूं यहां पर, आपको निकालना है VRM। आप क्वेश्चन देखें एक बार सुनील सर, क्वेश्चन निकाले, ये रहा दोस्तों, ये रहा, फाइंड द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू द मूविंग मैन, बरसात का आदमी के सापेक्ष वेग। खाली करो, वापस आ जाओ। ओके डियर, अब अपन कलर चेंज करके इसको बनाते हैं, तो खुद देख, ये साथ वाले मेरे, बहुत सिंपल है, ये क्या बन गया रहे, VMG, ये क्या बन गया रहे, VRM, और ये डियर क्या बन गया तेरा, तेरे सामने सामने VRG। अब खुद देख, ये एंगल 30 ले आ जाना, ये बारिश आ रही है ना, इसे ये बारिश मान ले, तो ये एंगल तू जानता है, इसको यहां लाइन खींचते, यहां लाइन खींचते, ये एंगल 30, तो कहने की बात ही नहीं है, ये एंगल 30, तो ये एंगल आपका कितना हो गया 30 डिग्री। बस अब तू देख VMG क्या है, मैन का ग्राउंड के सापेक्ष। क्वेश्चन निकाल, मैन ये रहा, आदमी 10 किलोमीटर प्रति दौड़ना स्टार्ट करता है, तो ये दोस्तों कितना आपका 10 है, बस इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है डियर, आपको निकालना क्या है, VRM। आ जा, तो दोस्त तेरे पास ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और ये VRM तेरे को इसमें निकालना है। ये एंगल तेरा कितना है 30 डिग्री दिया हुआ है, तो अपन जानते हैं अपने पास लंब है, आधार है, ठीक है डियर, और एंगल दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, तो कोण क्या होगा 10 थीटा। बोलो बोलो, कोण क्या होगा 10 थीटा, लंब बटे आधार, लंब कितना है ये, आधार कितना है VRM। ये ले भैया, व्हाट इज VRM, 10/10 थीटा, 10 थीटा क्या होता है 1/√3, तो दोस्तों इसका आंसर आ गया 10√3। आंसर निकाले भाई 10√3, ये लो जी 10√3, ये मिटा दूं, ये लो 10√3, ये आपका आंसर आ गया 10√3। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा सिंपल सा है, देखो पढ़ो क्वेश्चन क्या है। वो कहते हैं गेंद को छत के क्षितिज से 45 डिग्री कोण फेंका जाता है। देखो डियर, ये कोई छत है, यहां से कोई गेंद को ऐसे 45 डिग्री आप देखो दोस्तों किसी भी एंगल पे फेंको। अगला कहता है कि इसकी चाल अधिकतम कहां होगी, किसी एंगल से फेंको दोस्तों चाल हमेशा कब होगी यार, जब पृथ्वी पे टकराएगी, सीधी सी बात है, तो आंसर क्या हो गया, एट द पॉइंट वेयर इट टच द ग्राउंड। सुन लो, 45 मुद्दा नहीं, किसी भी एंगल फेंको हमेशा चाल एस्ट कहां होगी, अर्थ पे, ग्राउंड पे जाओ टच करेगी। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, वैसे ये एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, एग्जाम में इस तरह की प्रॉब्लम आ भी सकती है, नहीं भी आए, बट आप देख लो। तो क्या कहता है, एक कण का T0 पर U वेग पूर्व की ओर, उसका त्वरण पश्चिम की ओर है, नियत है, माना अक्ष एक्स भी पहले 10 सेकंड में अगले 10 विस्थापन मान क्या है। देखो डियर, इस प्रकार की प्रॉब्लम आपको याद रखो, पहले एक सेकंड में, फिर अगले दूसरे में, तीन में, दोस्तों पहले सेकंड में अगले से, तो इसका रेशियो होता है 1:3:5:7
लेकिन वो दोस्तों तब होता है जब आपका कार्यक्रम स्टार्ट यू बराबर जीरो से हो। यदि यू जीरो नहीं हो तो आप इस डिस्टेंस के बीच कोई रिलेशन पैदा नहीं कर सकते। इसका आंसर है फोर्थ। ये वही क्वेश्चन है कि एक गेंद को अपन छोड़ते ऊपर से, तो पहले सेकंड में, अगले सेकंड में, अगले सेकंड में, अगले सेकंड में, एक अनुपात, तीन अनुपात, पांच अनुपात, डैश डैश डैश, पर तब होता है जब यू क्या होता है, जीरो। गौर करना, यू जीरो हो तब तो एक तीन पांच हो जाता है, बट यहां यू जीरो नहीं है, इसलिए दोस्तों हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। ओके, थैंक यू। हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर पांच देखो, ये है वास्तव में फिजिक्स की वो प्रॉब्लम जो नीट में आती है। क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ लिया। एक गाड़ी उत्तर की ओर जा रही है, फिर 90 डिग्री मुड़ गई, किधर, बाईं ओर। अब इसके वेग में परिवर्तन पूछा है। दोस्तों एक बात पहले सुन लो, परिवर्तन का मतलब होगा हमेशा ही v फाइनल माइनस v इनिशियल। ये मास्टर फंडा फिजिक्स का, परिवर्तन चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। जब जब दोस्तों ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात आती है तो भाई जी बिना दिमाग लगाए आप इसको लिखा करो। एक तो मैं क्या करता हूं, देखो बच्चे भी पेन चलाते नहीं कागज पे, भैया रफ कॉपी में हाथ चलता रहना चाहिए, फिजिक्स पढ़ रहे हैं भाई। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अब मैं कलर चेंज करूं तेरे लिए। तू जानता है ये कौन है, आई कैप, ये कौन है माइनस आई कैप, ये कौन है जे कैप, ये कौन है माइनस जे कैप, ये कौन है के कैप, वो कौन होगा माइनस के कैप, थ्री डी बन जाएगी, क्या दिक्कत है यार। अब भाई दे क्या कहता है, 50 किलोमीटर की चाल से उत्तर की ओर जा, उत्तर किधर है, ऊपर की ओर, या ऐसे उधर, ये आपका नॉर्थ ए, ये लो जी दोस्तों, दिस इज वी इनिशियल, कितना डियर, 50 जे कैप, बोल हाँ या ना, 50 जे कैप। अब क्या कहता है, 90 डिग्री मुड़ी किधर है, बाईं ओर, तो अपने आप क्या होगा, लेफ्ट ए, ये मुड़ गई भैया, ये मोड़ दी, तो ये क्या हो गया तेरा वी फाइनल, कितना भैया मुड़ी है, स्पीड चेंज नहीं हुई है, वेलोसिटी चेंज हो गई है, संख्या चेंज नहीं हुई है, संख्या क्या, स्पीड, तो इसको मैं क्या कहूंगा, माइनस 50 आई कैप, बोल हाँ या ना, बहुत सिंपल बात, बस आजा 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 आजा, डेल्टा वी फाइनल माइनस 50 आई कैप इनिशियल माइनस 50 जे कैप, क्लियर। अब ये तेरा वेक्टर हो गया, फाइनल वेक्टर ये है, तो माइनस आई और माइनस जे हमेशा कहां पर आते हैं, इस ब्लॉक में आते हैं, तो आंसर में आंसर आएगा साउथ वेस्ट, फाइनल है। अब देख ले साउथ वेस्ट कहां है, तो साउथ वेस्ट दोस्तों ये रहा, ठीक है, साउथ वेस्ट आपके सामने है। देखो इसमें मैन संख्या तो कोई निकाल देता है, इसमें मूल खेल दिशा निकालने का है। देख दोस्त, आई बी माइनस में, जे बी माइनस में, अरे कहां गया, साउथ वेस्ट में गया ना। अब दोस्तों रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट तो कहने की बात ही नहीं, तो कोई निकाल देगा, अपन जानते हैं आर आर का क्या होता है, रूट टू आर, रूट टू आर का मतलब 50 मल्टीप्लाई रूट टू आर, दोस्तों रूट टू का मान क्या होता है, 1.74, ये आपका आंसर आ गया, 70 किलोमीटर पर आवर दक्षिण पश्चिम की ओर। रुको 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 भाई, ए रुक जल्दी मत करो, उत्तर की ओर गई इनिशियल, मुड़ी क्यों मुड़ी, अगला कह रहा, मैं नहीं कह रहा, बाईं ओर मुड़ी, किधर मुड़ गई, पश्चिम की ओर, वो कौन है, फाइनल, डेल्टा वी फाइनल माइनस इनिशियल, ये आ गया, बस साफ साफ दिखाई दे रहा है, माइनस आई माइनस जे, माइनस आई माइनस जे कहां होता है, ये रहा साउथ वेस्ट, ये इसका तरीका होता है डियर करने का, कोई गड़बड़, ओके थैंक यू। एक तरीका हो गया, इसका एक तरीका मेरे पास और है, करें, लो करते हैं आपके लिए, पेज खाली कर पूरा भाई, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है भाई, गाड़ी तेरी इधर जा रही थी, ये कौन है, वी इनिशियल, कितना है रे, 50 जे कैप, तेरी गाड़ी इधर मुड़ गई, ये तेरा कौन है, वी फाइनल, कितना भैया, माइनस 50 आई कैप, कोई दिक्कत नहीं, पक्की बात है, चल पक्की बात है तो तेरी बात पक्की कर देते हैं, डेल्टा वी क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। मैंने तेरे को एक बात कही थी कि माइनस कुछ होता ही नहीं है फिजिक्स में, वेक्टर में, सॉरी फिजिक्स वेक्टर में कुछ होता ही नहीं है माइनस है। दोस्त वी फाइनल में माइनस वी इनिशियल जोड़ दे, वी फाइनल में माइनस वी इनिशियल जोड़ दे, ये तेरा कौन है, वी फाइनल वेक्टर बना, तो ये वेक्टर तो इधर है, ये देख, बोल हाँ आना, ये कौन है,
वी फाइनल, ये कौन है वी इनिशियल ऊपर की ओर, मुझे क्या चाहिए माइनस वी इनिशियल, ये ले यार रिजल्टेंट, आ गया ना साउथ वेस्ट, हेलो आ गया ना, ये एक सेकंड तरीका है इसका, मास्टर लगता है मेरे को तो ये, ओके थैंक यू। हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े इस क्वेश्चन को, ये बिना मतलब कॉम्प्लिकेट करना, बड़ा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, एक नदी है, एक व्यक्ति को कहता न्यूनतम समय में नदी पार करनी है, तो न्यूनतम समय नदी पार करने का मतलब व्यक्ति को यहां इंटर होना पड़ता है, वो बात अलग है, पानी धक्का देते उसको यहां लेके जाता है, लेकिन आदमी इंटर थोड़ा किसी एंगल पे कर रहा है, आदमी तो यहां इंटर करेगा ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं हो, तो आदमी किधर इंटर करेगा, उत्तर की ओर, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, उत्तर की ओर। पहले सुन लेना, ठीक है नदी धक्का देते हुए ले जाएगी, बट उसकी एंट्री, उसने कहा ना कि उसे तैरना चाहिए, तो उसे तो ठीक उत्तर की ओर तैरना प्रारंभ करना पड़ेगा, फिर वो नदी उसको थोड़ा धक्का देके वहां ले जाएगी, तो आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट, ओके थैंक यू। हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, अब जैसा मैंने देखा है अगले सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रक्षेप्य गति पे हैं, मोशन ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मोशन पे हैं, तो मैं थोड़ी सी इसकी बात कर लूं आपसे, पेज खाली करें लो एक बार। दोस्तों किसी वस्तु को अपन यदि किसी थीटा एंगल पे, ध्यान दे क्लास ऐसे, थीटा एंगल पे, ना तो थीटा 0 होना चाहिए और ना थीटा 90 होना चाहिए, इसका तरीका होता है एक, थीटा 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, सीधी सी बात है, तभी होगा कि 90 फेंकोगे तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगी, 0 फेंकोगे तो हॉरिजॉन्टल होगी, परवलय कहां हुई, परवलय तभी होगी जब थीटा 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। अब देखो डियर, आपने किसी बॉडी को यू वेलोसिटी से फेंका ऐसे, ये 2D क्यों हुआ, क्यों देखिए इसमें अक्ष भी काम आ रहा है, इसमें वाई भी काम, पर सुन ले पूरी बात है कि आगे तो दिक्कत नहीं आए, एक्स भी आ रहा है वाई भी, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए डियर, ये देख, एक कंपोनेंट तेरा हो गया यू एक्स, ये क्या है यू कोस थीटा, ध्यान दे क्लास, और एक कंपोनेंट क्या हो गया यू वाई, ये क्या हो गया रे यू साइन थीटा, बोल हाँ या ना, ठीक है ना। अब तू बात जानता है कि तूने बॉडी को फेंका है, किस में फेंका है, पृथ्वी फेंका है, कौन काम करेगा, ग्रेविटेशन फोर्स। तो दोस्तों इसको ढंग से देखें तो ये कंपोनेंट कौन है U अक्ष, ये कंपोनेंट कौन है U y, किसके खिलाफ जा रहे हैं ये G के खिलाफ। अब देख U अक्ष जो है, कलर चेंज कर, U अक्ष और G, लड़के ध्यान दे, U अक्ष और G तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये देख, तो तू जानता W इक्वल टू क्या होता है एफ एस कोस थीटा, कोस 90 का मान क्या होता है 0, तो इसके खिलाफ कोई कार्य नहीं करना होगा, क्लास की सबसे प्यारी चीज, इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन में, परवलय पथ की गति में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूरे मोशन के दौरान कांस्टेंट रहता है, यह बात यहां से आती है, क्लियर। यू एक्स इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो पूरे सिस्टम के दौरान, एक एक प्रश्न की बात कर रहा हूं, उस पूरे क्वेश्चन में कांस्टेंट रहेगा, लॉजिक तेरे सामने है, यू एक्स और जी लंबवत है, परपेंडिकुलर में आप जानते हो कोई वर्क नहीं करना होता है, क्लियर, ओके। अब आप यूआई पे आओ, देखो यूआई और जी दोस्तों बाकायदा एक दूसरे से कितने रहे 180 डिग्री पे है, तो 180 का मान आप जानते हो माइनस एक होता है, इसमें हमेशा एक नीचे की ओर आकर्षण रहेगा, तो दोस्तों ये कण देखो चलेगा यहां से, ये कण चलेगा ऐसे, तो चलते 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 पीक पॉइंट वो है डियर जहां यूआई तो क्या हो गया 0 और केवल क्या बच गया रहे यूएक्स, ये समझने की कोशिश करता हूं यार। अब ये पार्टिकल्स पहुंच कर यहां आ गया, पार्टिकल यहां आ गया, तो तेरा एक कंपोनेंट तो कौन है इसका यूएक्स, एक कंपोनेंट क्या है यूआई, यूएक्स तो यूएक्स हो गया, बट दोस्तों यूआई के साथ क्या जाएगा माइनस, जो यूआई इधर ऊपर की ओर है वो यूआई किधर आ गया नीचे की ओर, यूएक्स वहां भी वही था यहां भी वही हो, मैं बात की थोड़ी सी गहराई तेरे साथ और कर लूं, तो एक समझदार स्टूडेंट है तो दोस्तों यू इक्वल टू यूएक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, दिस इज यू इनिशियल, इसको आप यू की बजाय वी कह दो, दिस इज वी इनिशियल और वी फाइनल दोस्तों करेंगे, तो देखो यू एक्स के साथ तो अब भी आई कैप आएगा, लेकिन दोस्तों यू वाई के साथ आपका माइनस जे कैप आ जाएगा, ये इसकी सुंदरता है, क्लियर। कई बार पूछ लेता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने पर, यानी इनिशियल से लेके अंत तक जाने पर हाउ मच चेंज इन मोमेंटम, इसके संवेग में कितना परिवर्तन है, तो दोस्तों संवेग परिवर्तन की बात मैं करूं तो डेल्टा पी, तू जानता वही पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, एम को एक कर देंगे अपन, पी एम मल्टीप्लाई वी होता है, एम को उठा दे, माना मास यूनिट है, पी फाइनल आ जा, व्हाट इज पी फाइनल, ये रहा पी फाइनल, क्या है तेरा यू एक्स माइनस
यू वाई, इसके आई कैप लगा, इसके जे कैप लगा, माइनस इसको मिटा दो तेरे लिए मैं, माइनस इनिशियल, अरे भाई पी बोल चाहे यू बोल बात एक है ना, इसको एम से मल्टीप्लाई कर दे, एम को उठा देंगे, ये तेरा इनिशियल, ये कौन है रे, माइनस यू एक्स आई कैप माइनस यू वाई जे कैप, फाइनल माइनस इनिशियल यू एक्स आई कैप माइनस यू वाई जे कैप माइनस यू एक्स आई कैप माइनस यू वाई जे कैप, देख तेरे सामने सामने दोस्त ये पूरा हो गया, कितना चेंज हो गया, माइनस टू यू वाई जे कैप, ये चेंज है जिसको यू वाई को आप क्या करेंगे, यू साइन थीटा, तो हाउ मच चेंज मोमेंटम, टू यू साइन थीटा, ओके थैंक यू। हाँ डियर प्ले पड़ गया, तो ऐसे यू फाइनल यू इनिशियल कंपोनेंट्स की बात करते हुए अब ध्यान दो, इसका पीक पॉइंट होता है ना, वहां सारा कंपोनेंट कौन बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूरे क्वेश्चन के दौरान दोस्तों नियत रहता है। अब इसके कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले मैं आपको सीधे लिख दूं दोस्तों। अब दोस्तों ये कुछ इसके कॉमन फॉर्मूले हैं, ये तो परवलय पथ का, इसको तो बोलते हैं परवलय पथ का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ पोजिटिव मोशन, प्रक्षेपी गति, ट्रेजेक्टरी पाथ जो बोलते हैं, वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर को स्क्वायर थीटा, याद करना पड़ेगा भाई, रास्ता नहीं है, आर रेंज यहां से यहां, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, और टी, ओ दोस्तों टी का मतलब पता है फ्लाइट टाइम, यहां से यहां तक जितना टाइम लगेगा ध्यान रखना उतना यहां से यहां लगेगा, इसको स्मॉल टी वन कहेंगे, इसको स्मॉल टी टू कहेंगे, टोटल कैपिटल डी कहलाता है, जो हो गया टू यू साइन थीटा बाई जी, क्लियर। यदि ये तेरे याद नहीं है ना तो भाई जी प्रणाम करता हूं, तेरे मतलब कुछ नहीं कर सकता। अब दोस्तों इनको मैं थोड़ा सा ट्रिकी करता हूं, लो ए मिटाऊ, आ जाओ कैसे ट्रिकी करें, आ जा मेरे साथ हो ले, देख डियर आर इक्वल टू यू स्क्वायर टू साइन थीटा, क्या साइन टू तो क्या होता भाई, टू साइन थीटा कोस थीटा अपॉन क्या है जी, ले लड़के टू को बाहर ले ले, दिस इज यू साइन थीटा, दिस इज यू कोस थीटा अपॉन जी, याद कर रहे हैं मेरे भाई, व्हाट इज यू साइन थीटा यू वाई, व्हाट इज यू कोस थीटा यू एक्स अपॉन जी, बोल हाँ या ना, अरे कुछ नया नहीं कर रहा हूं तो तेरा काम कर रहा हूं यार, टू यू साइन थीटा यू कोस थीटा एक डिसीजन बन गया। ऐसे दोस्तों इन सबको आपस में हम लोग चेंज कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे आपको बना के दिखाते जाएंगे, ठीक है थैंक यू। हाँ डियर क्वेश्चन नंबर सेवन, ये प्रवलय पथ प्रोजेक्टाइल मोशन का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से देख लो यार, प्रश्न की भाषा आप लोग पढ़ ली, मैं इसका देखो डायग्राम बनाता हूं, आप पेज खाली करें भैया, डियर थोड़ा सा मन से बैठ दो। वो कहता है 45 डिग्री पे किसी पत्थर को मैं फेंकता हूं, ऐसे कितने डिग्री एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे, तो इससे ए डिस्टेंस पे ये एच दीवार है, मान लो आप ये इस एच दीवार को ऐसे पार कर जाता है, तो इधर जो दूरी है वो क्या है, बी है, दीवार है एच हाइट को किस डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पे, और आगे भी बी दूरी चल के वहां जाके गिरता है, तो यहां पहला कॉन्सेप्ट दोस्तों, यहां आर इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस बी, टोटल आर तो ए प्लस बी होगा ना, बस अब आपको दोस्तों परवलय पथ का इक्वेशन जिसको ट्रेजेक्टरी पाथ कहते हैं, वो पाथ की बात अपन करें, तो थोड़ा सा मेरे साथ हो, तू जानता है वाई इक्वल टू दोस्तों एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर को स्क्वायर थीटा, टू यू स्क्वायर को स्क्वायर थीटा और एक्स स्क्वायर, ये याद रखनी पड़ेगी भाई, ये याद नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। अब इसका डेरिवेशन ना जी ना, वो तो फिर पूरी क्लास हो जाएगी 2 घंटे की, हो गया अब आ जा शुरू हो जा, वाई की जगह क्या आएगा स्मॉल एच, एक्स पे क्या आएगा ए, एक्स एक्स पे क्या है ए, पता यही बात कर रहा हूं ना, एक्स एक्स पे है ए, वाई पर क्या है क्यों देख रहा, अरे एच किस पे वाई पे था ना, ओके टेन 45 कितना होता है 1 माइनस जी, एक्स पे क्या आएगा ए स्क्वायर, दिस इज टू यू स्क्वायर, सीधा कर दू कोस 45 क्या होता है 1 बाई रूट टू, तो 1 बाई रूट टू का मतलब दोस्तों ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये लो जी ये तेरा 2 से 2 कैंसिल आउट, थोड़ा सा मेरे बच्चे के लिए इजी कर दूं, ए माइनस जी ए स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, अब ये जी यू स्क्वायर कहां से आ गया, क्यों नहीं आ गया यार, एक बता रेंज का टोटल फॉर्मूला क्या होता है, याद कर रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा वाई जी, नहीं होता क्या, थीटा कितना है 45, साइन
45, 90 एक हो गया, तो आर क्या आ गया, यू स्क्वायर बाई जी। तो यू स्क्वायर बाई जी क्या है, आर है, ये उल्टा है तो उल्टा कर दो, और आर क्या है, ए प्लस बी, आर क्या है, ए प्लस बी, तो एच इक्वल टू ए माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। क्लियर, बस अब इसको सोल्व कर ले दोस्त, ए प्लस बी तो इसका एलसीएम ले, तो इधर क्या आएगा रे, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर, दिस इज कैंसिल आउट। तो दोस्तों आपको क्या चाहिए, एच चाहिए ना, तो एच इक्वल टू क्या आ गया, ए बी अपॉन ए प्लस बी, आंसर निकालना भाई, एच इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। आई थिंक सेकेंड आंसर आपका साफ साफ दिखाई दे रहा है, ए एच इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी आपका दोस्तों इसका सेकेंड आंसर हो गया। क्लियर, थैंक यू। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन 7 हो गया ना पूरा, अब इसको तो ट्रिकी भी करते हैं। अब देखो ये ट्रिक से आपके सिलेबस को, सब्जेक्ट को फुटबॉल करेंगे आपके लिए। देख y इक्वल टू बोल क्या, x टेन थीटा माइनस जी टू यू स्क्वायर को स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर। क्लियर, आ जा, अब ये रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, अपनों करना होगा, पेज खाली करने भाई। तो इसको दोस्तों अपन मॉडिफाई करें, तो आप देखो x tan थीटा आप इसमें से कॉमन ले लो, तो 1 माइनस ऊपर क्या बचेगा g x बचेगा, नीचे क्या बचेगा रे 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा tan थीटा। ए लड़के ध्यान है ना, x tan थीटा कॉमन लिया तो ऊपर भी x tan से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे भी x tan से मल्टीप्लाई, ऊपर का तो बाहर चला गया, निचला बच गया, सब बताना पड़ता कई बार भाई। ओके डियर, अब आप आगे चलो, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस जी एक्स, देख लड़के ध्यान दे, 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, दिस इज साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एक कोस से कोस कैंसिल आउट कर दे, पूरी बात करेंगे भाई, अपन कोई आलस नहीं कर रहे, जब इतने ट्रिक तेरे बता ही रहे हैं। तो एक्स टेन थीटा 1 माइनस जी को ऐसे कर, ये क्या बचा 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा मल्टीप्लाई एक्स। आजा लड़के तेरे लिए कर रहा हूं भाई मैं सारा कुछ, ये x tan थीटा 1 माइनस, ये देख ये तेरा, देख ये क्या है 2 sin थीटा cos, क्या हो गया 2 sin थीटा, तो ये क्या हो गया u स्क्वायर g अपॉन, याद कर फॉर्मूला, g अपॉन u स्क्वायर sin 2 थीटा, ये क्या हो गया r, तो dr ये तेरा क्या आ गया 1 माइनस x अपॉन r, होता ना r इक्वल टू, अरे उल्टा होता ना r इक्वल टू, तो ना u स्क्वायर sin थीटा, उल्टा कर दो इसको, ठीक है डियर, बस अपना काम हो गया। अब तेरे सामने सामने है y की जगह y, x की जगह क्या आएगा रे a, ये तेरा tan थीटा 1 माइनस x क्या आएगा a, ये तेरा क्या है a प्लस बी, tan 45 है उसकी वैल्यू 1 हो गई, ये तेरा a प्लस बी, यहाँ एलसीएम ले ले, a प्लस बी माइनस a कैंसिल आउट, ये ले मेरे दोस्त y इक्वल टू ए बी, ए प्लस बी, y किसके बराबर है h के बराबर है। ये मैंने केवल तेरे अब कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए किया है, ठीक है, ओके थैंक यू। हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर 8 मैं फिर से याद कर दूं भाई, ये फिजिक्स 2/20 टोटल 20 पेपर हैं, जिसका दूसरा पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है, इसका 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, मजा आता है इसको सोल्व करके, मारा एग्जाम इस तरह क्वेश्चन नहीं आने वाला होता है, आएगा तो देखा हो तो बच्चा कर पाता है, नीट के बच्चे का एक मैं जानता हूँ कि कहाँ तक उसकी मैथ और सब कैलकुलेशन होती है, बट ये चीजें हमारे सब्जेक्ट को मजबूत करती हैं। आप क्वेश्चन पढ़ो पूरा, पढ़ लिया, देख क्या कहता है, एक कण निर्देश तंत्र के मूल बिंदु टी जीरो पर एक्स वाई तल में वाई दिशा में नियत त्वरण से चल रहा है। दोस्तों एक्स वाई प्लेन आते का मतलब 2D हो गया, एक्स वाई आ गया ना 2D हो गया, 2D का मतलब परवलय पथ हो गया, सीधी सी बात है, बस। अब अगला कहता है, और इसकी y इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर, अच्छा वैसे भी यार साफ है y और x स्क्वायर की इक्वेशन है, अपने आप ही क्या होना है पैराबोलिक होनी भाई, हेलो y x स्क्वायर के समानुपाती है, बीटा तो कांस्टेंट है, तो पथ क्या हो गया पैराबोलिक है। और अगला कहता है इसके वेग के x दिशा में घटक बताओ, हमें इस प्रश्न में दोस्तों vx निकालना है, क्लियर, और y इक्वल टू अगले अंतर क्या दिया है b x स्क्वायर, पेज खाली कर सुनील, देखो दोस्तों इसको पूरे को आपसे ढंग से सोल्व करता हूं, देखो आपके लिए अगला स्पष्ट कहता है ये पैराबोलिक पथ है, पैराबोलिक पथ में आप दोस्तों अच्छी तरह जानते हो vx इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट, तो dr ax इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, यानी x दिशा का त्वरण क्या हो गया जीरो, क्लियर, और vy तो जानता है यहां चेंज होता है, तो आपके सामने जो ay आएगा वो क्या आएगा dvy अपॉन d
टी जानते हैं वी वाई वेग का टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो ए बन जाएगा। अब इस एक ए वाई कह रहा है, इस ए वाई को आप सुन खड़ा है सुनील जी, ए वाई में देखो साहब कहता है अल्फा बोल रहा है इसको अगला, ये आपकी मेरी इच्छा नहीं है, आ जाओ वापस सॉल्यूशन पे आओ। अब यहां तक हो गया, अब मैं आता हूं इस इक्वेशन पे, वाई इक्वल टू बीटा बोलो या बी बोलो एक्स स्क्वायर, बहुत ढंग से करते देखो आप आराम से प्लीज, वाई इक्वल टू बीटा एक्स स्क्वायर, साथ दे क्लास मेरा डी वाई बाई डी टी। दोस्तों इसका डी टी के और लड़के एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हुआ 2x, ये तो 2 का हुआ बट किसके सापेक्ष है टी के सापेक्ष लड़के, ये लिखना पड़ेगा डी एक्स बाई डी टी, ये सुन ले रहे भैया x की पावर 2 का अवकलन क्या था 2x, ये इसका अवकलन हुआ है किसका पावर का, फिर x का किसके रेस्पेक्ट में है t के रेस्पेक्ट, बस इससे बन जाता है। अब ये dy by dt है, थोड़ा सा एक स्टेप और बना दूं आपके लिए, dy by dt equal to 2 बीटा x, ओ लड़के ये क्या है dx by dt, ये क्या है vx, ये क्या है vx, और ये तेरे को यहां अप्लाई करना है, परवलय पथ में vx चेंज नहीं होता, ये क्या अपने आप में एक कांस्टेंट है बस। अब इसको मैं एक बार फिर देख करूं डिफरेंशिएट 2 d ये ऐसे, तो देख 2 भी कांस्टेंट, बीटा भी कांस्टेंट, vx भी कांस्टेंट, केवल x के साथ किसके सापेक्ष dx / dt के सापेक्ष, ये फिर क्या बन गया vx, ये कौन है अल्फा, मैं नहीं कह रहा दिस इज बस अल्फा 2 बीटा, ये भी vx, ये भी vx, जिसको अपने v स्क्वायर कह सकते हैं vx स्क्वायर, ओके डियर, अगला आपसे vx तो पूछ रहा है यार, तो vx इक्वल टू क्या आ गया अल्फा अपॉन 2 बीटा का रूट, क्वेश्चन आ जा भैया अल्फा अपॉन 2 बीटा का रूट, ये लो अल्फा सब रूट में है, सारा रूट में भैया रूट पूरे पे है, अल्फा अपॉन 2 बीटा का रूट, ए मिटा के दिखा दूं, ये ले अल्फा, ओके थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 9 ये है नीट का प्रश्न 2020 आएगा जी, ये शानदार क्वेश्चन, साहब कहता है पढ़ ले भाई दे क्या कह रहा है, प्रक्षेपी की चाल u महत्तम ऊंचाई पे 50% घट जाती है तो क्षितिज तल में प्रास क्या है, r की वैल्यू चाहिए, लड़के इधर आ जा, तू अच्छी तरह जानता है कि यहां केवल कौन कंपोनेंट होता है u अक्ष, वो क्या है रे u cos थीटा, बोल हाँ या ना, अगला स्पष्ट कहता है u cos थीटा क्या बन गई u by 2, u इज इनिशियल वेलोसिटी, बोल 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 u इज इनिशियल वेलोसिटी, u x cos थीटा इक्वल टू क्या है u by 2, u cos थीटा है वो कुल का आधा है, बस कैंसिल आउट कर दे तो तेरे सामने सामने थीटा की वैल्यू क्या आ गई, तो खुद जानता है cos थीटा 1/2 किसका मान होता है 60 डिग्री का, हेलो किसका होता दोस्तों 60 डिग्री होता है, यानी 60 डिग्री फेंका। अब अगला कहता है इसकी प्रास बता, इसकी रेंज बता, तो भैया रेंज का फॉर्मूला भूल गया क्या रे, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है u sin 2 थीटा बाई जी, ओके डियर, तो u स्क्वायर sin 120/g। अब कई बार बहुत से हमारे बच्चों को sin 120 की वैल्यू निकालनी नहीं आती है, याद मत करो एक तरीका बताऊं तो बहुत प्यारा सा, लो क्लास में बहुत प्यारी चीज आ गई, ध्यान दे, ये 0, ये क्या है 90, ये क्या है 180, इधर दोस्तों कोई 30 डिग्री पे एंगल होगा, कोई 60 पे एंगल होगा, 90 में 30 जोड़, बोल कितना हुआ 120, 30 जोड़ के यहां आ जा तो तू यहां जाएगा, तो जितना 30 इधर आगे गया उतना ही 30 पीछे आ जा, तो जो 60 का मान है वो 120 का मान है, और साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, तो इसका मान भी क्या होगा √3/2, तो तेरे सामने सामने यू स्क्वायर √3/2g, √3u²/2g, दोस्तों आंसर क्या हो गया इसका थर्ड, ओके थैंक यू। हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ, ये क्या कहता है, प्रक्षेप पे प्रारंभ से समान ऊंचाई पर 3 सेकेंड तथा 5 सेकेंड पर होता है तो प्रक्षेपे का उड़ान काल बताओ, देखो डियर ए ऐसे मत कर यार, ऐसे कर, समान ऊंचाई होगी देख तेरे सामने, समान ऊंचाई जब ये ए पर होता है या बी पर होता है तो यहां ये कितने सेकंड में पहुंचा रहा है, याद कर 3 सेकंड में, और यहां से यहां किस में पहुंचा रहा है ये 5 सेकंड में, अब तू जानता डियर जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये है, तो यहां भी क्या लगेगा 3 सेकंड, तो यहां से यहां तक आने समय 5 सेकंड, 3 आगे और लगा दे 8 सेकंड, हेलो पले पड़ी
सिंपल सी बात है क्यों दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान सुनो भैया, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तो क्या थोड़ी कैलकुलेशन गलत हो रही है, एग्जाम में आएगा तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी, क्वालिटी इक्वेशन बनेगी ना, वो इजीली सोल्व हो जाएगी, ये मान चलना। एग्जाम में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, डेटा ऐसा नहीं आएगा। इसका एक कॉन्सेप्ट है, वो देख लो पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। देखो डियर, ये पृथ्वी है, अगला खुद कह रहा है ये हेलीकॉप्टर ऊपर की ओर जा रहा है और ऊपर जाते समय से पत्थर फेंक दिया, वो पत्थर कितनी देर बाद जमीन पे गिरेगा, तो दोस्तों ये पत्थर ऐसे गति करके गिरता है, सीधी सी बात है। पहले पत्थर ऊपर जाएगा क्योंकि साथ ना उसके, तो जिस बॉडी से आप छोड़ते हो उसी ऊपर जाएगा और ऐसा के गिरेगा। अब दोस्तों आप इसका बनाओ रेफरेंस, यहां से आ जाओ, बस एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एच इक्वल टू माइनस एट टी, क्योंकि यहां खड़े हो ना, रेफरेंस किधर लिया अपन ने, ऊपर की ओर, तो मेजर किधर करना, नीचे की ओर, कितना मीटर है 80 मीटर। यू क्या है दोस्तों, ऊपर की ओर 12 टी, माइनस क्योंकि जी किधर है, नीचे की ओर, ये 10 टी स्क्वायर, बस हो गया। अब ये तेरे सामने 5 टी स्क्वायर है, इसको इधर लिया तो ये तेरा 5 टी स्क्वायर इधर आ गया, तो ये माइनस 12 टी हो गया और ये 80 दोस्तों माइनस का माइनस रहेगा, ये आपकी इक्वेशन बन गई 5 टी स्क्वायर माइनस 12 टी माइनस 80। अब एग्जाम में आएगा तो इसको आराम से इसको फैक्टर में इसका गुणनखंड आप कर सकते हो, या तो आपको भाई साहब स्थिर तरह समय लानी पड़ेगी, एग्जाम ये नहीं आने वाला है, इसको गुणा भाग करूंगा टी का मान आता अप्रोक्सीमेट 5.4 या 5.5, तो ऐसा ऑब्जेक्ट दे रखा है इसने अपना दूसरा, ठीक है डियर। मैं फिर से कहता हूँ क्वेश्चन एग्जाम आ सकता है, ये डेटा नहीं आएंगे, लेकिन आएंगे तो फिर भैया कर लो, भूल गए क्या, ये आपके सामने ए है, ये बी है, ये सी है, टी निकालना है, आ जा भैया मैं कब ना कर रहा हूँ, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, तो खुद ही कहते साहब हाथ जोड़ दो, नहीं होगा एग्जाम में, नहीं होगा घर पे नहीं करना भाई, ओके थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, इसका एक फॉर्मूला है जो आपको दोस्तों कंठस्थ याद करना पड़ेगा, 4√H1H2, कोई रास्ता नहीं है, मैंने तो पढ़ा क्वेश्चन, पढ़ लो आप लोग, फिक्स है, और आप लास्ट रिसीप आओगे मुझे पता है। ये कहता दो प्रक्षेपे को समान वेग से फेंका जाता है, इनकी प्रास समान है, महत्तम ऊंचाई एक की 4 मीटर है, एक की 16 मीटर है, तो प्रास का मान देखो, ऐसा प्रश्न है, दो प्रक्षेपे को समान वेग से फेंका गया, प्रास समान है, एक को फेंका 4 मीटर की हाइट पे, एक गया 16 मीटर, एक गिरेंगे एक साथ आगे, ये क्वेश्चन बन गया। एक कितना ऊपर गया 4 मीटर, एक कितना ऊपर गया 16 मीटर, एंगल दोनों क्या रहे, प्रक्षेपे को समान वेग से फेंका, तो एंगल दोस्तों दोनों के समान नहीं हो सकते रहे, क्योंकि रेंज तो समान होती है दो अलग अलग एंगल पे, हाइट कभी समान नहीं हो सकती, क्योंकि याद करो, बताओ क्यों, आर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2θ/g, लेकिन दोस्तों हाइट में तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g आता है, ध्यान दे, तो ये तो कभी भी कॉमन नहीं हो सकती, ये दोस्तों 2θ है, आप 30 पे और 60 की हमारा फुटबॉल याद नहीं क्या, एक आदमी 30 पे किक लगाता है, एक 60 पे किक लगाता है, हाइट अलग अलग है पर प्रास दोनों की सेम, से कहते हैं ना 30 डिग्री वाला खिलाड़ी है 60 डिग्री वाला अनाड़ी है, फुटबॉल हवा में गया भैया, प्रास तो उतनी है ना, तो हवा में थोड़े हमने टप्पे लगाने अपने को, तो दोस्तों इनको जब अपन अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे तो ये संबंध आएगा आर इक्वल टू 4H1H2, एच का मान 4, इसका मान 16, 16 चौक 64, 64 का मतलब 8, 8 चौक 32, भैया सीधा याद कर ले, फिर सुन ले लड़के, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, साफ कहता है समान वेग से फेंका है, प्रास समान है, तो एंगल इक्वल है नहीं है रे, क्योंकि हाइट अलग अलग है तो एंगल इक्वल हो नहीं सकते, पूरा डेरिवेशन है, बट मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आर इक्वल टू 4H1H2 सीधा होता है, ओके थैंक यू। हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर 13, देखो ये प्रॉब्लम दोस्तों नीट में बहुत आराम से पूछ सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इतना ही प्रश्न है, प्रश्न पढ़ो आप। वो कहता सिंपली पहले किसी वस्तु को मैं ऊपर की ओर फेंकूं, फिर वो वस्तु ऐसे घूम के दोस्तों नीचे की ओर आती है, अब वो कहता है यहाँ कोई विस्कोसी मीडियम भर दूं तो ये वापस ऊपर से नीचे आएगी, तो यहाँ का वो कहता है कोई टाइम टी नोट है और यहाँ का टाइम टी है, तो बताओ इसके टाइम में क्या फर्क पड़ जाएगा। ये टाइम तो आप जानते हो दोस्तों, जब केवल एयर होती है तो आप जानते हो u/g टाइम आने जाने का, और u/g कैसे, अरे भूल गए क्या यार, v=u+gt, अंतिम जीरो नहीं है क्या, तो u=gt माइनस लगा दे क्या फर्क पड़ता है, ऊपर जा रहा है इसलिए, तो t=2 क्या है u/g, बोल बोल है ना, सिंपल बात है ना, तो u/g, हकीकत देखा जाए तो जब एयर होती है, सिंपल एयर होती है, तो टी नोट बोल दो इसको, दिस इज 2u/g, क्लियर,
ओके, अब आ जाओ पेज खाली कर। अब यदि दोस्तों अपन इसको इस तरह से करें कि भैया ये ऊपर की ओर गई, फिर ये नीचे की ओर आई, और अब तेरा विस्कोसिटी डेवलप हो गई, शान बल लग गया, जो हमेशा गति के विपरीत लगता है, ऊपर जा रहा है तो जी भी नीचे की ओर, और जी बाई टेन भी नीचे की ओर। जब इधर आ रहा है तो जी तो नीचे की ओर, पर जी बाई टेन ऊपर की ओर, बस ये सुंदरता है, जी माइनस जी बाई टेन दोस्तों। ओके, टी वन क्या होता है, यू बाई जी, तो यू अपॉन जी प्लस जी बाई टेन। इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर दूं तो दोस्तों टेन है ये, इलेवन जी होगा तो इसका वैल्यू आ जाएगी टेन यू अपॉन इलेवन। ठीक है डियर, टी टू में आ जाओ, टी टू क्या है, वही आपका यू जी माइनस जी बाई टेन, वही दोस्तों टेन लोगे टेन ऊपर चला जाएगा, ये क्या बच गया तेरा टेन यू अपॉन नाइन, इन दोनों टाइम को आप जोड़ दें। ठीक है डियर, नाइन जी, जी साथ रहेगा, यहां भी जी साथ रहेगा, यहां भी जी साथ रहेगा। ठीक है डियर, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, फ्लाइट टाइम के आने का भी और जाने का भी, इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो कैपिटल टी में ऐसा कर यू बाई जी को तो बाहर ले ले, सीधी सी बात है, तो 10/11 अपॉन 10/9 यू बाई जी को बाहर रहे, क्योंकि बार बार दिमाग खराब कर रहा है, ये तेरा 11 9 99 दोस्तों, ये कितनी बार भाग गया 9 बार, तो ये 90 आया, ये भाग कितनी बार 11 बार, तो ये 110 आया, ये लड़के यू बाई जी मल्टीप्लाई 200/99, ये कौन है रे टी, भूल गया क्या रे, टी नोट क्या था 2u/g, एक काम कर इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, 200 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये तेरा 2u/g है ना, इसको टी नोट बोल दे यार, सीधी सी बात है, तो टी इक्वल टू क्या बच गया रे 200/99 को 2 से गुणा कर कितना आएगा 198, मल्टीप्लाई क्या है टी नोट, देख भैया 200 में 198 भाग देगा ना तो लगभग 1.1 आएगा, तो 1.1 का मतलब 0.1% की इसमें सीधी सी बात दोस्तों वृद्धि होगी, तो 1.1 मतलब 100 के पीछे ना तो 1% की वृद्धि हो जाएगी, 1% का इंक्रीमेंट हो जाएगा, निकालना आंसर, निकालना ये आपका आंसर, फर्स्ट इंक्रीज बाई 1%। ओके, इसमें एक ही बात काम की थी, जी प्लस जी बाई टेन और जी माइनस जी बाई टेन। ओके थैंक यू। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, साहब कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग फ्यूचुअल मोशन, याद कर रहे है? तूने गेंद हवा में छोड़ दी ना, तो हवा गेंद किस में जा रही है, जी में, तो एक तो इस पूरे सिस्टम का तोड़ हमेशा क्या होता है नियत, दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है नियत, गांठ बांध ले, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है रे नियत, ऊर्ध्वाधर नियत ना, त्वरण नियत नहीं है ना, संवेग नियत है ना, तो बस के है ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ए कांस्टेंट। ओके, ध्यान सुन ले, तूने गेंद को जैसे हाथ से छोड़ दिया लड़के, कहां चली गई जी में, और जी कभी चेंज नहीं होता, हाँ जी चेंज होता है यदि तू कोई मिसाइल से छोड़ दे, प्रास बहुत ज्यादा कर दे, ऊंचाई पे ले जाए, तो वो बातें काउंट नहीं होती यहां पर। ओके थैंक यू दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 नेक्स्ट निकालो, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16 भी क्या है 15 का ही आंसर है, तो 15 16 दोनों एक क्वेश्चन, आ जाओ 15 आ जाओ वापस। देखो डियर, वो कहता है एक पार्टिकल टी इक्वल टू 0 सेकंड पर मूल बिंदु से 10 g/s के वेग से चलना प्रारंभ करता है, लड़के, इसका मतलब सीधा किधर मुंह कर रहा है, सीधा ऊपर की ओर, यानी इसका यू इनिशियल क्या है 10 j, जे का मतलब तो क्या हो गया वाई कंपोनेंट हो गया दोस्तों, दिस इज यू वाई, यानी हकीकत यहां यू एक्स इक्वल टू क्या है 0, तो इसका जो रियल यू है वो ये है दोस्तों 10 j/s, ध्यान दे क्लास बात को पकड़े, कहता क्या एक पार्टिकल टी बराबर 0 सेकंड पे मूल बिंदु से 10 g/s चलना प्रारंभ करता है, एक्स वाई तल के में नियत त्वरण ये है, अब ध्यान दे क्लास, त्वरण तेरे सामने ये है कितना 8 i/2 j/, त्वरण को दोस्तों मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, दिस इज ax i/ay j/, यानी एक्सीलरेशन एक्स कंपोनेंट में 8 है और वाई कंपोनेंट दोस्तों 2, अगला खुद कह रहा है, लेकिन इनिशियली यू एक्स क्या इसका 0 है बस, अब वो कहता है कि किस समय पे कण का अक्ष निर्देशांक 16 मीटर हो जाएगा, खाली करना, किस समय पे अक्ष के निर्देशांक कितने हो जाएंगे रे 16 मीटर, यानी आपको केवल एक्स एक्स की बात करनी है, सिंपल बात है यार, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ
GT square, नोट हाफ GT square, हाफ है 80 square कर दो पूरी बात समझने के लिए। H मतलब, चलो पूरा लिखो, H मत लिखो, ऐसे लिखो, S इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 square UX AX SX, ये मान ले, और यार ए ये एक्स लिख दे यार, कुछ एक्स इक्वल टू UXT प्लस हाफ AXT square, बस आ जा क्वेश्चन दिखाना एक बार। सर सांप कहता 16 मीटर, वापस आ जा, एक्स का मान क्या है 16 मीटर, यूएक्स क्या है 0 मैं नहीं कह रहा, प्लस हाफ एक्स क्या है 8, टी स्क्वायर तेरे को निकालना है, ये तेरा कितना हो गया 4, टी स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4, टी की वैल्यू क्या आ गई 2 सेकेंड। ओके देख क्वेश्चन निकाल, टी की वैल्यू क्या आ गई 2 सेकेंड। देखो इसमें आपको यदि कंसेप्ट क्लियर है ना तो कहीं जोर नहीं आता है। ओके थैंक यू। अब दोस्तों क्वेश्चन 16 अगला पार्ट है 15 क्या कहता है, ऊपर दिए प्रश्न उस समय पर कण के वाई बताओ निर्देशन क्या है, यानी वाई की दूरी क्या है, तो आ जाओ वाई, आ जाओ ए, वाई इक्वल टू आप जानते हो यू इक्वल टू वाई UT प्लस हाफ 80 square, ओ लड़के UY AY, टी कितना 2 सेकेंड, टाइम तो कुछ चेंज होता नहीं ना, आ जा UY क्या है, क्वेश्चन निकालना पुराना वाला, सुनील सर देखो साफ कहता हुआ UI कितना हो रहा 10, आ जा वापस आ जा, तो UI कितना हो गया 10 मल्टीप्लाई 2 हाफ AY, क्वेश्चन निकालना सुनील सर, क्वेश्चन निकालो दोस्तों, स्पष्ट है एक्सप्रेशन कितना आ रहा है इरा 2, J के साथ तो Y के साथ 2 है ना, आ जा वापस आ जा, ये तेरा 2, टी का मान फिर क्या है 2 का स्क्वायर, ये कितना है 20, ये तेरा कैंसिल आउट, ये कितना है 4, आंसर क्या आ गया 24 मीटर, निकालना आंसर निकालना भाई 24 मीटर, ये आंसर हो गया, मजा आता करके गया, थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 फिर वही परवले पथ, एक क्रिकेटर एक गेंद को अधिकतम 100 मीटर प्लस तक फेंक सकता है, वो गेंद को कितनी अधिकतम ऊंचाई तक फेंक सकता है, एक क्रिकेटर एक गेंद को अधिकतम 100 मीटर तक फेंक सकता है, अधिकतम प्रास, दोस्तों R इक्वल टू पूरी क्लास जानती है U² sin 2θyg, R मैक्सिमम कब होगा दोस्तों जब थीटा का मान क्या होगा रे 45 फिर साइन 90 हो जाएगा, दिस इज U² / g और इसकी वैल्यू माई डियर कितनी है रे 100 है, क्लियर, U² / g क्या है 100। अब वो कहता कितनी अधिकतम ऊंचाई तक फेंक सकता है, तो अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है U² sin² θ/2g, अधिकतम ऊंचाई तक फेंकना हो तो थीटा क्या रखना पड़ता है 90, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई दोस्तों साइन 90 की वैल्यू 1, दिस इज U² / 2g, U² / g की वैल्यू क्या है 100, 2 से डिवाइड कर दो दोस्तों आंसर क्या आ गया 50 मीटर। ओके थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम एन एलिवेटर गोइंग अप विथ एक्सीलरेशन 5 m/s², द एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन आफ्टर द रिलीज, तो ध्यान दो एक लिफ्ट ऊपर जा रही है, ध्यान देना क्लास, ये पत्थर छोड़ दिया, छोड़ते क्या हो गया फ्रीली फॉल डाउन, छोड़ते खत्म, किसमें है जी में है, तो अर्थ के सापेक्ष तो ये क्या हो गया 10, जी को 10 मान लो, अर्थ के सापेक्ष तो आंसर क्या आएगा 10, तो कुछ नहीं कहता है तो अर्थ के सापेक्ष ही है, तो आंसर क्या हो गया इसका 9.8 m/s² नीचे की ओर, लेकिन बाय चांस ये पूछ ले लिफ्ट के रेस्पेक्ट में क्या है, तो दोस्तों लिफ्ट ऊपर जा रही है 5 से, ये 10 नीचे की ओर, रेस्पेक्ट हमेशा डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 10 और 5 15, ध्यान रखना 9.8 लोगे तो 14.8 बोल दो, आंसर क्या आएगा 15 m/s², ध्यान सुनना रहे, लिफ्ट से पत्थर छोड़ दिया आले फ्री, पत्थर गिर रहा किस में जी में, बट लिफ्ट में जो व्यक्ति बैठा उससे उसको पूछे तो वो कहता इसका एक्सीलरेशन 15 m/s² है, क्लियर थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन 19, अब तक जितने क्वेश्चन किए सबसे आनंदमय क्वेश्चन है क्योंकि नीट में 3 बार आया हुआ भाई, ये सीधी सी बात है, देखो दोस्तों एक बात ध्यान सुनो, इस प्रश्न को पढ़ने से पहले मैं एक बात बताता हूं, एक आदमी लिखता है V12 और एक आदमी लिखता है V21, इसका मतलब है 1 का 2 के सापेक्ष, इसका मतलब 2 का 1 के सापेक्ष, ऐसे याद करने में बहुत जोर आता है, आपको जो सिंपल बताऊं, एक व्यक्ति VMG, इसका मतलब मैन का ग्राउंड के सापेक्ष, एक आदमी कहता है MR, आर मतलब रेन मान लो, मैन का रेन के सापेक्ष, तो यहां याद करता हूं मैं कि आप इसको दोस्तों VMG लिख लिया करो, मैन का ग्राउंड के सापेक्ष, आदमी का कुछ अर्थ के सापेक्ष, बस यही चीज है, ये दोस्तों आपके लिए है, अब आप क्वेश्चन पढ़ो क्या कहता है, एक नाव जमीन के सापेक्ष, लड़के नाव बोट
ग्राउंड के सापेक्ष, 3i + 4 ये बोल हाँ या ना, बोट ग्राउंड के सापेक्ष, ठीक है जल्दी। अगला, नदी का पानी जमीन के सापेक्ष, नदी का पानी जमीन के सापेक्ष -3i - 4j। तो अगला कहता है पानी का, नाव का पानी के सापेक्ष, लड़के नाव का पानी के सापेक्ष VB - VW, किसके सापेक्ष, ग्राउंड के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, ग्राउंड के सापेक्ष VBG, वो रहा VBG, क्या है 3i + 4j, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3i + 4j, 6i + 8j, 6i + 8j, दोस्तों आपका आंसर आ गया। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, किसके सापेक्ष, विथ रिस्पेक्ट कौन है, ठीक है, थैंक यू। ये प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, देखने में बड़ा लगता है लेकिन है बड़ा कॉन्सेप्चुअल। तो क्या कहता है, आप क्वेश्चन पढ़ लो, पूरा लो, क्वेश्चन पढ़ने का मतलब अपने स्क्रीन को पोज कर लिया करो, पोज कर लिया, पढ़ लिया पूरा, अपने स्क्रीन को पूरी को पोज करो, पढ़ लो। अब आ जाओ, क्या कहता है देखो, किसी 240 मीटर ऊंची चोटी की मीनार से दो पत्थर को एक साथ ऊपर की ओर फेंका गया, जिनकी प्रारंभिक चाल 1:10 है, 1:40 है, और दोस्तों तो बताओ कौन सा ग्राफ पहले पत्थर के सापेक्ष दूसरे पत्थर की स्थिति का टाइम के साथ सर्वाधिक सही मामला है। पत्थर जमीन से टकराने के पश्चात ऊपर की ओर नहीं उछलते हैं, वायु जी ये है। दोस्तों आपको ग्राफ बताना है, किस किस के बीच बताना है भाई, डिस्टेंस और टाइम के बीच, y2 - y1, इधर डिस्टेंस है और इधर दोस्तों टाइम है, क्लियर। आ जाओ आप पेज खाली करें सी। ये ऐसा प्रश्न है, देखो ये कोई मीनार है, यहां से आपने एक पत्थर फेंका वो ऐसे गया, दूसरा ज्यादा से फेंका ऐसे आया, सीधी सी बात है यार। आप प्रश्न पढ़ो एक बार देखो, साफ कहता है एक पत्थर फेंका 10 मीटर प्रति सेकंड से, एक फेंका 40 मीटर प्रति सेकंड से, तो कहने की बात ही नहीं। आजो क्वेश्चन में आ जाओ, इसको फेंका मैंने 10 से तो ये थोड़ा रास्ता पार करके आएगा, इसका फेंका 40 से तो अधिक रास्ता पार करके आएगा। मीनार की हाइट क्या डियर, 240। अब अपने को पहले और दूसरे दोनों का फ्लाइट टाइम निकालना है, बस याद कर कलर चेंज कर ले, इसको रेफरेंस मान ले ऊपर की ओर, सिस्टम मान ले, तो यहां से ऊपर तो पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, ध्यान दे, जहां खड़ा है उसके रेफरेंस ऊपर पॉजिटिव, ऊपर जाए तो पॉजिटिव, नीचे आए तो नेगेटिव। तो फर्स्ट केस की बात कर, तो दोस्तों फर्स्ट केस में आपको टोटल टाइम निकालना है, एच कितने पे बैठे हो तुम, 240 पे, कहने की जरूरत ही नहीं है, इक्वल टू UT - ½ GT² क्यों, तो जहां खड़ा है गति किधर है तेरी, ऊपर की ओर, जी किधर है, नीचे की ओर। देख भाई 240, यू कितना है पहले 10 है ना, 10t माइनस ये तेरा 10t² ये तेरा 5। देख लड़के 240 10t माइनस 5t² मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, रे एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आया तो कैलकुलेट इजी होगी, देख इजी हो गई है, अपने क्या था जहाँ 5.4 निकाला था मैंने, देखो ये लो जी, ये ले 5t² माइनस 10t माइनस 240 इक्वल टू 0, क्लियर। 240 को तू 5 से गुणा कर ले, ठीक है डियर, कितना आया 1200, 40 और 30 कर दे कितना हो गया 1200, 5t² - 40t + 30t, अरे गुणनखंड नहीं पढ़ाएगा चौथी क्लास में, फोर्थ क्लास में पढ़ाया गुरुजी ने यार, 5t बाहर ले ले तो ये क्या बचा t - 8, या 30 बाहर ले ले वो इतना t - 8 = 0, तो डियर अभी पूरा कर दूं ले यार, इतना किया तो क्यों वारस करूं, इक्वल टू 0। तो एक तो टी का मान -6 आ गया, एक टी का मान -8 आ गया, तू जानता समय के माइनस में नहीं होता है, तो t = 8 सेकंड, यानी इस कण को यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा, 8 सेकंड यहां रहेगा, क्लियर पक्का पक्की। चलो जी देख मैंने कहा ना, देखो आगे बात, एग्जाम में आएगा तो आप इसको आराम से द्विघात समीकरण को सोल्व कर सकते हो। अब डियर सेकंड की बात करें तो आप सेकंड पे आ जाओ, सेकंड पे कैसे आओगे वो ही कहानी, 240 यू कितना आ रहा है 40t माइनस हाफ जी कितना है 10t² ओके डियर पूरा ही कर लें यार, आरस क्यों करें, ये तेरा 40t माइनस वो ही तेरा 5t² आ जा भैया, 5t² - 40t - 240 = क्या हो गया भाई
जीरो, एक हम पांच से डिवाइड करते इसको तो टी स्क्वायर, यहाँ आठ बार गया, यहाँ तेरा पांच चौक बीस, अड़तालीस इक्वल टू जीरो, ये तेरा अड़तालीस है, बारह चौक अड़तालीस, ये ले टी स्क्वायर माइनस बारह, अब दिमाग अपना आप चलता भाई, माइनस फोर्टी एट इक्वल टू जीरो, इसमें दोस्तों वो टी भार ले लो, तो टी माइनस बारह, तो यहाँ चार भार ले, तेरा वो टी माइनस बारह, एक्चुअल में इसका एक आंसर तो आया टी इक्वल टू बारह, और एक आंसर आया दोस्तों टी इक्वल टू माइनस चार, समा माइनस में नहीं होता, तो ये बारह सेकंड तक हवा में रहेगा, मैं तेरा काम कर रहा हूँ, सीधी सी बात है, बड़ा रास्ता है तो बड़ा समय, छोटा रास्ता तो छोटा समय, यानी पहला कण आठ सेकंड हवा में रहेगा, दूसरा कण 12 सेकंड हवा में रहेगा, यानी पहला कण जब तक जमीन पे पहुंचेगा 8 सेकंड तक, तब तो दोस्तों इस कण को ये कण देखेगा सरल रेखीय, क्योंकि ये भी सात गति कर रहा है, लेकिन जैसे जमीन पे आ गया उसको पतका दिखाई देगा परवलय। बताऊं, ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा है और बाहर एक व्यक्ति खड़ा है, ट्रेन चल रही है, ट्रेन में बैठा कोई व्यक्ति पैकेट छोड़ता है तो ट्रेन का बैठा व्यक्ति क्या कहता, पथ सरल रेखीय है, बाहर खड़ा बंदा क्या कहता, पथ है पैराबोलिक, ये लॉजिक काम आता है इसमें, बस आ जाए क्वेश्चन में, इन सबको मिटा देता हूं, ये ले माय डियर, ये तेरे सामने आपका क्वेश्चन हो गया, अंदर स्ट्रेट लाइन और फिर ये पाथ आपका, ये पूरा पाथ ऐसा होता ना कंप्लीट पाथ, इसका ये हिस्सा ले ले, ये आंसर आ गया तेरा, थैंक यू। हाँ डियर, ये इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर्स, वैसे तो यार एग्जाम में क्वेश्चन इसके आते नहीं, फिर मान आ जाते हैं, कर लेते हैं अपने, क्या दिक्कत है, ऐसे चार पांच क्वेश्चन पंच में हो जाएंगे, देखो आपका वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज सब यूं चुटकी हो जाएंगे, आ जाओ, तो क्या कहता है, इन योर वर्नियर कैलिपर्स वन मैन स्केल डिविजन इज एक्स सेंटीमीटर, देखो डियर मैन स्केल वन एम एस डी इक्वल टू क्या है एक्स सेंटीमीटर, बस देख लिखता जा, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य स्केल का एक खाना एक्स सेंटीमीटर है, वन एम एस डी इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, अब कहता हूं वर्नियर कैलिपर्स के एन खाने मुख्य खाने के एन माइनस वन खानों के संपाति यानी कॉन्साइड है, लड़के एन वी एस डी इक्वल टू एन माइनस वन एम एस डी, ओ भाई वी एस डी वर्नियर स्केल डिविजन, एम एस डी मैन स्केल डिविजन, बस अब आ जाए यार, तो एक वी एस डी क्या हो गया, ओ लड़के एन माइनस वन अपॉन एन एम एस डी हो गया, अब तेरे को क्या पूछता है अगला, साफ साफ कहता है लिस्ट काउंट चाहिए तेरे को, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, हेलो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, एम एस डी माइनस एल एस डी, एम एस डी माइनस सॉरी वी एस डी, एल गलत बोल गया, एम एस डी माइनस वी एस डी, ओके एम एस डी तू खुद कहता है, तो ये एम एस डी माइनस क्या है वी एस डी, एन माइनस वन अपॉन एन एम एस डी, एम एस डी एक एम एस डी है ना, तो एम एस डी को बाहर कॉमन ले ले, तो ये वन माइनस एन माइनस वन अपॉन एन, थोड़ा सा सीधा कर दूं ये एम एस डी, तो यार एन नीचे ले ले, तो ये तेरा एन माइनस एन एक बच गया, एम एस डी किसके बराबर है एक्स के बराबर है, तो आंसर क्या आ गया भाई एक्स बाई एन, बोल ध्यान दे क्लास एक्स बाई एन, ये आंसर आ गया, दो बात याद रख, लिस्ट अकाउंट क्या होता है, लिस्ट अकाउंट नोट अकाउंट, लिस्ट अकाउंट क्या होता है एम एस डी माइनस वी एस डी, बस ये एक रिलेशन बना दिया, वैल्यू पुट कर दी भाई, ओके थैंक यू। हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 बहुत मस्त रेफरेंस का एक प्यारा क्वेश्चन है, देखो सुनो ये पृथ्वी है, ध्यान दो रेफरेंस की बात समझो, रेफरेंस हमेशा अपन लेंगे ऊपर की ओर, तो यहां जी हमेशा क्या होगा माइनस, ध्यान दे क्लास जी हमेशा क्या रहेगा इसमें माइनस, क्योंकि आपने रेफरेंस का ले लिया ऊपर की ओर, ध्यान सुनना ये रेफरेंस का बड़ा प्रश्न है, यदि रेफरेंस आप नीचे ले लोगे तो जी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ध्यान दे क्लास आपने रेफरेंस लिया है ऊपर की ओर, तो जी हमेशा क्यों जी हमेशा कितने लगता है सेंटर की ओर, अब देख पहला केस क्या है, हिंदी गलत है इसकी भी थोड़ा उसमें पश्चात नहीं है भाई, इंग्लिश देखो सेम टाइम है ये गलत है, कि एक क्षण किसी क्षण एक पत्थर को यू वेग से ऊपर की ओर फेंका, उसी क्षण किसी पत्थर को नीचे की ओर छोड़ा, किस हाइट से रहे एच हाइट से, ऊपर की ओर फेंका नीचे की ओर छोड़ा, इसको केस ए कह देते हैं, ए सॉरी ए कह देते हैं, इसको केस बी, साफ कहता है ए का बी के सापेक्ष, लड़के ए का बी के, देख पहली बात सब कुछ है इसके अंदर, ये प्रश्न सब कुछ है भाई, तुक्काबाजी नहीं लगानी, ए का बी के सापेक्ष, तो ए का बी के सापेक्ष का मतलब वी ए माइनस वी बी, तो विथ रिस्पेक्ट की बात पड़ी पड़ेगी, ए का दे साफ कहता है वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, ए का बी के सापेक्ष, पट्टा नहीं मारना,
अब आ जाए वी ए क्या है। तो देख वी ए दोस्त अपन जानते हैं वी ए बराबर क्या होगा, प्लस जी टी या माइनस जी टी, माइनस जी टी। क्यों? रेफरेंस किधर है? ऊपर की ओर। जी किधर है? नीचे की ओर। ठीक है डियर, तो वी ए बराबर है यू ए माइनस जी टी। आ गया, आ जा वी बी पर आ जा। वी बी क्या है? यू बी। बॉडी किधर गति करती से मतलब नहीं है, रेफरेंस किधर है? ऊपर की ओर। जी किधर है? नीचे की ओर। तो यहां भी आपका चिन्ह क्या आएगा? माइनस जी टी। वी बी इक्वल टू यू बी माइनस जी टी। ठीक है डियर। अब तो खुद कह रहा है कि इस गेंद को आपने छोड़ा है इनिशियल कंडीशन से, तो यू बी क्या हो गया? जीरो। तो दोस्तों वी बी की वैल्यू क्या आ गई? माइनस जी टी। बस अब तो खुद कह रहा है यार वी ए माइनस वी बी रेफरेंस होता है, वी ए माइनस वी बी। तो यू ए माइनस जी टी माइनस माइनस प्लस जी टी, ये कैंसिल आउट दोस्तों, यू के बराबर हो गया। सिंपल सी बात है, क्लियर। ये देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, देखने में अजीब ऐसे लग रहा है कि लड़का कहता साहब नीचे की ओर गिर रहा है, तो आपने तो ये वी बराबर यू प्लस जी टी करना चाहिए था, यहाँ प्लस क्यों नहीं किया। लेकिन दोस्तों आप इसके रेफरेंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है, ओके, थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन क्या है? इसके पहले एक सिंपल बात है, वी और टी के बीच जो स्लोप है वो जो टेन थीटा है वो दोस्तों हमेशा ए को इस रिप्रेजेंट करती है, किसको? एक्सीलरेशन को। बस अब आ जाओ, अब इससे आप देखो एक ऐसे लाइन खींचो डियर, तो स्पष्ट है आपके सामने एक एंगल ए के साथ बन रहा है, एक एंगल बी के साथ बन रहा है, बी का एंगल छोटा है, ए का एंगल बड़ा है, तो ए का एक्सीलरेशन ज्यादा है और बी का एक्सीलरेशन कम है। क्लियर, ओके, थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन 24, लो मैं अलग होता हूं, आप क्वेश्चन पूरा पढ़ लें, आ जाओ आप पढ़े पूरा क्वेश्चन, पढ़ लिया, पढ़ने का मतलब पोज करके पढ़ लो। अब आ जाओ मैं शुरू करता हूं, आ जाओ जी, हटाओ क्वेश्चन, हटाओ। दोस्तों ये ऐसा प्रश्न है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो कहता है कि एक जहाज पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर पर आवर से चलना स्टार्ट होता है और उससे दक्षिण की ओर 100 किलोमीटर डिस्टेंस जहाज बैठा है जो यहां से चलना स्टार्ट होता है। ऐसे दोस्तों देखो ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, माना ऐसी लोकेशन पे जब बी यहां आ जाए और ये ए यहां आ जाए, माना कि ये इनके बीच की एस जो है वो लिस्ट डिस्टेंस है, तो ये कहता कितने समय बाद इन दोनों के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाएगी। तो दोस्तों ये यहां से चल के यहां पहुंच गया, ये यहां से चल के यहां पहुंच गया, तो पहली बात तो दोस्तों इसकी आप डिस्टेंस निकालो, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई तो खुद जानता है, इसको मैं एक्स कह दूं, एक्स इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई टी, क्योंकि स्पीड क्या है 10, टाइम क्या है टी, वाई पे क्या कहेंगे, यहां से यहां तक कितना चला ये 10t, कुल कितना है 100, तो कितनी बच के रहे 100 माइनस 10t, बोला या ना। बस अब तू जानता है हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, क्लियर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। आ जा तो एस का स्क्वायर इक्वल टू 10 टी का स्क्वायर प्लस 100 माइनस 10 टी का स्क्वायर। अब दोस्तों आपको इसको मिनिमम करना है, तो आप जानते हो ds बाई dt इक्वल टू क्या कर दो रहे 0। मिनिमा मैक्सिमा कहीं चेक करना होता है तो आप दोस्तों उसको डिफरेंशिएट करके 0 कर दो। अब तू जानता है 2s है तो ये 2 नीचे आएगा, 2 ds बाई dt है तो 2 इधर नीचे जाएगा, उसका रोल खत्म हो जाएगा। अब इसका तो अवकलन करिए, तेरा क्या है 100 10 टी स्क्वायर, 100 टी स्क्वायर, तो 100 टी स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 200 टी। सीधा कर दूं ये 100 का स्क्वायर संख्या आएगी, खत्म हो जाएगा, ये तेरा 100 टी का स्क्वायर है तो 100 टी का स्क्वायर फिर क्या होगा 200 टी। अब ये तेरा क्या होगा याद है ना 2ab 2000 ये क्या हो गया माइनस, याद करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सीधा करो दिमाग लगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 2ab, तो ये तेरा 2000 इक्वल टू क्या कर दे भैया 0, ये तेरा कितना है 400 टी इक्वल टू 2000, 400 टी इक्वल टू 2000, तो दोस्तों 2000 400 का भाग दो 5t इक्वल टू 5 से आंसर होना भी टी इक्वल टू 5 आवर, अच्छा यहाँ आवर है तो आवर बोल दो क्या फर्क पड़ता है, आंसर हो गया 5 घंटे, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों फिर से किस पे आ गया, वर्दी के लिए प्रश्न पे आ गया, देखो लैंग्वेज पढ़ लो।
लिस्ट काउंट ऑफ योर वर्नियर कैलिपर इज 1/10 एन से, देख ध्यान दे क्लास, ए एल सी इक्वल टू 1/10 एन सेंटीमीटर, बट मैं देख पा रहा हूं आगे क्वेश्चन में सारा खेल मिलीमीटर में है, तो इसको मैं मिलीमीटर में कह दूं तो दोस्तों ये 1/NMM हो गया, 10 की जगह क्या जाएगा। चलो जी, एक बात पूरी हो गई। अब अगला जो कहता है, देख भाई अपनी इच्छा नहीं, अगला साहब कहता है मुख्य पैमाने का कौन सा खंड वर्नियर पैमाने के एन खंड के बराबर होगा। दोस्तों एन खंड किसका, वीएसडी का, और एक्स इक्वल टू एक्स एम एस डी। लो जी, हम कहते हैं कि वर्नियर स्केल का एन सेक्शन जो है वो मैन स्केल के एक्स के इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं कहीं किसी प्रकार की। अब उसके बाद खाली कर लो इसको आप। अब हम सब जानते हैं दोस्तों एल सी इक्वल टू क्या होता है, एम एस डी माइनस एल एस डी। एम क्या है, 1/NMM, ओके। अब तू जानता एम एस डी माइनस, जहां दोस्तों लिखा हुआ है तेरे सामने वीएसडी, सॉरी एमएसडी, जहां तेरा लिखा हुआ है वीएसडी वहां क्या लिख सकता है, देख एक्स अपॉन एन एमएसडी, एक्स अपॉन एन एमएसडी, ओके 1/NMM, दिस इज एमएसडी 1-XN आ जाए डियर, 1/NMM, दिस इज एमएसडी एन एन माइनस, व्हाट इज एमएसडी, क्वेश्चन खोलना एक बार, क्वेश्चन खोलना भाई, ये देखो ये रहा 1mm, क्वेश्चन खोलना, ये रहा 1mm, ये साहब कहता है मुख्य पैमाने का खंड क्या है, आ जाओ mm है, तो दोस्तों ये आपके सामने हो गया mm 1/N, ये भी mm, n माइनस एक्स बाई एन एम एम कैंसिल आउट हो गया, n से n कैंसिल आउट हो गया, ये 1 इक्वल टू एन माइनस एक्स, तो एक्स इक्वल टू एन माइनस वन, एक्स इक्वल टू क्वेश्चन माना भैया, एक्स इक्वल टू एन माइनस वन, ये आपका आंसर आ गया। रुके एक मिनट, यहाँ एक बात याद रखने, एल सी क्या है, एम एस डी माइनस वी एस डी, बस ध्यान रख, एम एस डी मैन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, ओके थैंक यू डियर। क्वेश्चन नंबर 26, देखो क्वेश्चन नंबर 25 भी किया, वो भी वर्नियर कैलिपर्स पे था, ये भी वर्नियर कैलिपर्स पे, लो इससे मैं आपको थ्योरी की बहुत ढंग से चीज दोबारा समझा दूं, मैं नहीं मानता उसके बाद वर्नियर कैलिपर्स पे आपके मात खाओगे। वर्नियर कैलिपर्स तीन ही चीज होती हैं, वी एस डी, एम एस डी और एल सी, वर्नियर स्केल डिवीजन, मैन स्केल डिवीजन, एल सी लिस्ट काउंट, इनका एक रिलेशन होता है एल सी इक्वल टू एम एस डी माइनस वी एस डी, बस ये रिलेशन हो गया। अब क्वेश्चन को फॉलो करना, तेरे को लैंग्वेज पढ़नी आती है ना, कर देगा साहब, कहता है एन डिविजन ऑफ द मैन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, ए लड़के एन डिविजन किसके, मैन स्केल डिविजन इक्वल टू, देख वो रहा एन प्लस वन किसका रहे, वर्नियर स्केल, कुछ नहीं करना यार, वी एस डी ये ले बस। तो तेरे सामने सामने अपन वैल्यू निकाले वी एस डी की, तो एक वी एस डी किसके इक्वल होगा, रहे एन अपॉन एन प्लस वन एम एस डी, बोल हाँ या ना, हो गया ना, एक वी एस डी हो गया एन अपॉन एन प्लस वन एम एस डी, तेरे क्या निकालना है, एल सी निकालना है। और देख स्पष्ट कहता है दोस्त तेरा, इफ ईच डिवीजन ऑफ द मैन स्केल ऑफ ए यूनिट, यानी 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 एक एम एस डी की वैल्यू किसके बराबर है, एक के बराबर है, पकड़ वाली, बस निकाल ले यार, ये देख तेरा एल सी एम एस डी, ओ लड़के साथ हो मेरे, एम एस डी माइनस वी एस डी क्या रहे, एन अपॉन एन प्लस वन एम एस डी। अब थोड़ा सा अपन सीधा कर लें, देख डियर एम एस डी को बाहर ले ले, ये वन माइनस एन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है डियर, इसको अपन थोड़ा सा करें तो ये एम एस डी ऐसे हो जाएगा, ये तेरा एन प्लस वन इधर आएगा, ये तेरा एन प्लस वन माइनस एन, एन एन कैंसिल आउट हो गया, तो तेरे सामने अपन थोड़े इसकी कलर चेंज कर लें ताकि तू समझ आराम से, तो एल सी का मान क्या आ गया, वन अपॉन एन प्लस वन गुणा एम एस डी, वैल्यू ऑफ एम एस डी क्या है, ए, तो दोस्तों ये हो गया ए अपॉन एन प्लस वन, ए अपॉन एन प्लस वन, ये ले वर्नियर कैलिपर्स में मेडिकल में इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, मस्त थैंक यू। हाँ डियर क्वेश्चन 27 पढ़े लो, पूरा पढ़ लिया, आप क्वेश्चन पढ़ लो, मैं बताता हूँ, लो क्वेश्चन पढ़ लिया ना, ध्यान है ना, इसमें क्वेश्चन को पोज करके पढ़ा जाता है, ओके अब आ जाओ। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका स्क्रू गेज पे,
स्क्रू गेज पे मैं आपको चीज बताऊं, देखो तीन चीज आपको याद रखनी है इसमें, एलसी है लिस्ट काउंट होना है, कैपिटल एन होना है और स्मॉल एन होना है, बस इतनी चीज है, ठीक है ना। तो लिस्ट, तो इसमें लिस्ट काउंट होना ही होना है, एलसी होना है, एक कैपिटल एन है, एक स्मॉल एन है। तो कैपिटल एन क्या है, स्मॉल एन क्या है, इन चीजों बात कर लें। सबसे पहले अपन बात करें कैपिटल एन क्या है, स्मॉल एन क्या है। तो कैपिटल एन तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि रेखीय पैमाना जो है, लीनियर पैमाना जो संख्या जो होती है, वो क्या होती है आपकी, कैपिटल एन होती है। स्मॉल एन क्या है, सर्कुलर पे वो सेक्शन जो कॉन्साइड होते हैं, तो वो तेरे सामने। तो कैपिटल एन का मान क्या है, देखो यहां पर 6 है, स्मॉल एन का मान क्या है 40 है, बस। एलसी क्या है, एलसी निकाल ले यार, खुद कह रहा है कि 1 mm पे 100 खंड है, तो ये ले यार 1/100 हो गया। अब तेरे को इसकी डायमीटर निकालनी है, तो आ जाए डायमीटर क्या हो गया, डायमीटर इक्वल टू कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन मल्टीप्लाई एलसी, समझ रहा है, कैपिटल एन तो अपने साइड में रहेगा, स्मॉल एन को एलसी से मल्टीप्लाई कर दे। स्मॉल एन क्या है 6, स्मॉल एन क्या है ये ना 40, एलसी क्या है 1/100, ये ले भाई तेरे सामने सामने साफ उत्तर आ गया 6.4। तो इसका आंसर क्या आ गया 6.4, किसमें, एमएम में, क्योंकि हम सारा खेल कहां कर रहे हैं, एमएम में हो गया। फिर सुन ले, कैपिटल एन, स्मॉल एन और एलसी, और जो डायमीटर निकालते हैं उसका फॉर्मूला होगा एन प्लस स्मॉल एन मल्टीप्लाई एनसी। कैपिटल एन वो रहा जो मैन खाने स्केल, लीनियर स्केल पे, और स्मॉल एन क्या है, सर्कुलर रीडिंग रहेंगे, क्लियर। वही बात है, वहां एमएसडी था, वीएसडी था ना, वैसे स्मॉल एन कैपिटल एन आ गया, क्लियर, थैंक यू। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 जो है, जो डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, तो तीन स्केल है, मीटर स्केल, वर्नियर स्केल और स्क्रू गेज, इनका लिस्ट काउंट याद रखना पड़ेगा। मीटर स्केल का है 1 mm, वर्नियर स्केल का है 0.1 mm, स्क्रू गेज का है 0.01 mm, याद रख लो भैया, ये इसमें आपका मेरा कोई रोल नहीं है। अब अगला कहता है स्क्रू गेज, तो स्क्रू गेज कितना है 0.01 mm, 0.01 mm, तो एमएम में आंसर नहीं सेंटीमीटर में है, तो कोई बात नहीं, सेंटीमीटर चेंज करना है तो 10 से और डिवाइड कर दो, तो क्या जाएगा 0.001 सेंटीमीटर, आंसर क्या हो गया आपका 4th, ओके, थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, देखो 29 से पहले 28 में मैंने आपको तीन डेटा याद करवाए, मैंने कहा कि मीटर स्केल 0.1 सेंटीमीटर है, वर्नियर स्केल 0.01 सेंटीमीटर है और स्क्रू गेज 0.001 सेंटीमीटर है, ये डेटा स्टैंडर्ड है। हाँ अगला कल्पना कर ले कि ऐसा हो तो क्या हो जाए, तो आप जानते हो वो नहीं आता मेडिकल में, आईटी बातें आपको तो याद ही करना है, मोटी मोटी बात ही है यार। अब क्या कहता है कि द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.01 सेंटीमीटर, देन द एरर इन द मेजरमेंट, दोस्तों इससे ज्यादा एरर इसमें नहीं हो सकती, तो इससे कमी रहेगी, तो इसका आंसर दोस्तों सेकंड नहीं करेंगे, बट इसका आंसर अपन 4th करेंगे, 0.01 इक्वल टू या लेस देन, ओके, थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, ये भी ये जो इंस्ट्रूमेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इंस्ट्रूमेंट में क्या करते हैं कि अपन मापन निकाल लेते हैं, रीडिंग निकालते हैं, आपकी रीडिंग जो भी आई, फिर एरर आती है, वैसे तो मोस्टली क्या होती है कि एरर 0 मानते हैं, फिर भी वो कहते हैं एरर आ गई, तो यदि एरर पॉजिटिव आ गई तब तो हमारे आंसर में से वो माइनस होगी, और यदि एरर नेगेटिव आ गई तो उस आंसर में पॉजिटिव होगी। तो क्या कहता है, फॉर नेगेटिव 0 एरर करेक्शन इज, ऋणात्मक शून्य त्रुटि किसकी भांति काम करेगी, धनात्मक की भांति काम करेगी, बस इतना चीज का, ठीक है, थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 आप क्वेश्चन पढ़ लो, पूरा लो, पढ़ लिया भाई, आपको लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए, बस उसको फॉलो कर लो। अगला साफ कहता है ए पार्टिकल इज प्रोजेक्ट विथ ए वेलोसिटी वी, ये ले किसी पार्टिकल को वी वेलोसिटी से अग्रणी कर दिया प्रोजेक्ट, और साफ कहता भैया हॉरिजॉन्टल रेंज ट्वाइस ऑफ द हाइट, ए लड़के ये ले रेंज ट्वाइस ऑफ द हाइट, बस अब फॉर्मूले पुट कर ले, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2θyg, बोला है ना, 2h का फॉर्मूला क्या होता, भूल गया क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g, ये तेरे, अब ये फॉर्मूला तो आप याद रखने पड़ेंगे ना, ओके डियर, 2 से 2, यू स्क्वायर बाई जी से यू स्क्वायर बाई जी काटते, साइन 2θ क्या होता है, तू जानता 2 sin θ cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया मेरे दोस्त, साइन स्क्वायर थीटा, साइन साइन कैंसिल आउट कर दे, ये ले ये फॉर्मूला बन गया 10θ इक्वल टू 2, बन गया ना, बस थोड़ा सा तेरे लिए कलर चेंज कर दूं, 10θ इक्वल टू 2/1 लंब बटे आधार, तो ये कितना बन गया रे 5 आ गया, बस अब अगला क्या पूछता तेरे से, रेंज ले मैं तेरा बोर्ड तेरे साथ रख दूं, देख भाई r इक्वल टू क्या है रे u स्क्वायर साइन 2θ, तो मैं यू लिख दूं इसको u स्क्वायर 2
साइन थीटा कोस थीटा बाई जी आ जा। यू को वी लिया, कोई वी लिखा पड़ता है, टू को बाहर ले, वी स्क्वायर को बाहर ले और जी को बाहर। अब आ जा साइन थीटा क्या है, ये रहा साइन थीटा टू बाई रूट फाइव, कोस थीटा सॉरी हाँ साइन थीटा टू बाई रूट फाइव, कोस थीटा वन बाई रूट फाइव। आ जा साइन थीटा टू बटे रूट फाइव, कोस थीटा वन बटे रूट फाइव, रूट फाइव क्या हो गया फाइव, ये क्या हो गया फोर, तो फोर वी स्क्वायर बाई फाइव जी, ये ले फोर वी स्क्वायर बाई फाइव जी, है ना सिंपल। ओके थैंक यू दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। अब टॉपिक समाप्ति की ओर जा रहा है तो इसको मैं एक बार आपसे बोलो खुल के बात कर लूँ, आप क्वेश्चन पढ़ लो पूरा, लो आपके साथ बोर्ड खाली कर भाई। दोस्तों क्वेश्चन पढ़ लो पहले, आपने कहा कि किसी कण को थीटा एंगल पे यू वेग से फेंकते हैं तो वेग में परिवर्तन क्या होगा जब उच्चतम बिंदु पे है, खाली करें बोर्ड को। देखो डियर ऐसा प्रश्न है, आप जानते हैं अच्छी तरह से, ये लो जी ये कोई पार्टिकल है, इसको यू वेग से फेंका थीटा एंगल पे, तो दोस्तों इसका इधर एक कंपोनेंट है यू अक्ष, उसकी वैल्यू क्या है यू कोस थीटा, एक इधर कंपोनेंट है यू वाई, वो आप जानते हो क्या है यू साइन थीटा। यदि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो यू इक्वल टू क्या आएगा, आप जानते हो दोस्तों जो अक्ष क्षितिज है उसको आई कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हॉरिजॉन्टल है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे जे कैप से, बोलो हाँ या ना, एग्री हो, यू कोस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। और अब जब उच्चतम बिंदु पे चला गया, तुम जानते हो यहां जब जाता है तो केवल क्या अवस्था है यू अक्ष, ये पता होना चाहिए आपको, ये बात पड़ी हो चुकी मेरी कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर पीक पॉइंट पे केवल कौन होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, वो दोस्तों तेरा कितना है यू कोस थीटा आई कैप, कोई चेंज है नहीं क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेनिंग कांस्टेंट इन होल प्रोसेस। ओके तो ये दो वैल्यू आ गई, अब तू जानता चेंज, अब चेंज का लफड़ा है, यहां आपसे चेंज इन स्पीड पूछ रहा है या चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है, ध्यान देना इस प्रश्न में चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है, इसका मतलब वेक्टर काम लूंगा, पहले मैं आपका ये कर दूं, चेंज इन वेलोसिटी देख डियर डेल्टा यू इक्वल टू, अपना वो मास्टर तरीका है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, क्या रहा फाइनल तेरे सामने है यू कोस थीटा आई कैप माइनस हो रहा यू कोस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप, इसको काट दे तो दोस्तों डेल्टा यू का चेंज है वो है माइनस यू साइन थीटा जे कैप। एक बार ऑब्जेक्ट निकालना तो तेरे सामने सामने है, अब इसने माइनस करके यूज नहीं किया तो आपका आंसर हो गया दोस्तों ये रहा यू साइन थीटा। लेकिन सुन रहे बच्चे यदि वो चाल का चेंज पूछ लेता, याद है स्पीड, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, दोस्तों स्पीड का पूछता तो तू जानता यहां स्पीड क्या है यू और यहां क्या है यू कोस थीटा फाइनल माइनस इनिशियल, तो मेरे डियर आंसर होता यू कोस थीटा माइनस यू। हेलो वन इज चेंज इन वेलोसिटी, अदर इज चेंज इन स्पीड, क्लियर। हाँ डियर क्वेश्चन 33, ये प्रक्षेपे का हमने जो पढ़ा है उसका बहुत अच्छा उपयोग है, देखो आप प्रश्न पढ़ो पूरा, पोज कर लो स्क्रीन को कर ली, आ जाओ देखो साफ कहता दोस्तों स्पीड U इक्वल टू 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप है, भाई मेरे यू एक्स बोले तो 6, यू वाई बोले तो 8 और U का रिजल्टेंट बोले तो 10, अरे भैया भूल गया क्या 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और दोस्तों तुरंत प्रभाव से ट्रायंगल बना दो यार, ये तेरा थीटा है एक्स कंपोनेंट 6 है, ये भाई ऐसे नहीं सॉरी ऐसे मत बना ले, तेरे लिए बना दूं मैं, एक्स कंपोनेंट क्या है 6 है, कोई वाई कंपोनेंट क्या है 8 है, तो ये कितना बन गया भैया 10 है, इसको थीटा कह दे, कैसे कर ले क्या फर्क पड़ता है यार, देख बस इसमें मूल चीज ये है यार, ये एक्स कंपोनेंट ये वाई कंपोनेंट, एक्स एक्स की डेटा वाई के डेटा यू एक्स, अब वो डेटा किस में है वेलोसिटी में है, तो रिजल्ट वेलोसिटी क्या होगी 10, ये आपका एंगल है जो मेरे अभी साइन थीटा कोस काम आ जाएगा। ओके डियर कलर चेंज कर ले तेरे लिए, अब क्या चाहिए अगले को रेंज चाहिए, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर 2 साइन थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो सीधा कर दो 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन क्या होता है जी आ जा आर यू स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई 2 अपॉन जी कितना है 10, साइन थीटा क्या है रे बोल बोल साइन थीटा कितना है 6/10, कोस थीटा क्या है 8/10, 10 10 10 कैंसिल आउट, ये तेरे सामने है देख ले भाई, ये तेरा 5 हो गया तो इसकी तो 48 48 5 का भाग दे यार, ये 10 बार से कम आएगा थोड़ा सा 9.6 आंसर आ गया। थैंक यू दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 का एक दूसरा तरीका भी है,
तो वो इससे अपना शॉर्ट भी कह सकते हैं, मैंने पूरा आपसे प्रैक्टिस गुणा भाग करा दी। अब इसका शॉर्ट पैटर्न भी है, वो शॉर्ट पैटर्न क्या है दोस्तों, देखो रेंज का एक फॉर्मूला है आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। ओके, अपन एक्चुअल में इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, आर इक्वल टू टू यू स्क्वायर, आर यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, टू साइन थीटा कोस थीटा मल्टीप्लाई यू स्क्वायर बाई जी। वैसे सब क्लास में कौन टीच पढ़ाता है, खास बात नहीं कोई। अब देख दो भार ले ले, यू स्क्वायर को यू साइन थीटा लगा, मतलब तेरे लिए पूरी बात कर लूँ, और एक यू तू लगा कोस थीटा के साथ, और अपॉन क्या कर दे जी। अब तू जानता है डियर क्या जानता है, यू साइन थीटा क्या होता है यू वाई, यू कोस थीटा क्या होता है यू एक्स, अपॉन क्या है जी। बस अब तुझ क्वेश्चन में आ जा दोस्त, या यू एक्स की वैल्यू क्या है 6, यू वाई की वैल्यू क्या है 8, कलर चेंज कर ले तो आर पे आ जा, 2 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8 अपॉन जी, जी मतलब 10 आ जा, तो तेरे सामने आंसर क्या आ गया 9.6। तो ये एग्री करना पड़ेगा, ये बेटर तरीका है। दोनों इसलिए किया मैंने कि बाई चांस दिमाग में पता नहीं कौन सी चीज कब स्ट्राइक कर जाए, तो हमें बॉल को यूं और यूं सतह खिलाना चाहिए ना। ओके थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, ये प्रक्षेप्य का अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, सारी चीज लपेट देगा, देखो इसमें इसको लपेटते हैं अपन, देखो तो इसको ट्रिकी भी करते हैं। आपके सामने है वेलोसिटी आई प्लस टू जे है, आई देखो यू इक्वल टू, ध्यान दे क्लास, इस तरह का आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद अपन इसको और थोड़ा सा इग्नोर कर देंगे दोस्तों। इसका सीधा अर्थ है कि इसका यू एक्स कंपोनेंट तो 1 है और इसका यू वाई कंपोनेंट दोस्तों 2 है, इस सीधी सी बात ही है। अगला कहता है मुझे इस पथ का इक्वेशन चाहिए, याद कर पथ का इक्वेशन का मूल फॉर्मूला होता है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स, उस पर नहीं जाऊंगा मैं एक इतना ही जाऊंगा, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, ये आपको याद रखना पड़ेगा, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। अब तेरे पास r की वैल्यू नहीं है, पर अभी पिछले क्वेश्चन में तेरे को r निकाल के बताया है, तो ले मैं तेरे लिए दोबारा निकाल दूं r को। r क्या था, u स्क्वायर, याद कर u स्क्वायर था ना साइन टू थीटा था, तो 2 भी बाहर निकाल ले, तो तेरा क्या हो गया साइन थीटा कोस थीटा अपॉन क्या है g, आ जा 2 तो बाहर रख, एक क्या बनेगा u साइन थीटा, एक क्या बनेगा u कोस थीटा, तो u साइन थीटा क्या है 1 है, u कोस थीटा क्या है 2 है, सॉरी उल्टा बोल गया, u कोस थीटा क्या है 1 है, u साइन थीटा क्या है 2 है, अपॉन क्या है 10 है, दोस्तों r की वैल्यू क्या आ गई 2/5, क्लियर। अब आपको इसमें थीटा भी चाहिए, तो थीटा निकालना हो तो थीटा निकाल ले भैया, तू थीटा निकाल ले, थीटा है तू खुद जानता है, अक्ष कितना है इसमें 1 है, वाई कितना है 2 है, ये कितना आ जाएगा √5, ये तेरा 10 थीटा आ जाएगा, आ जा तो तेरे साथ हो जा, वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा क्या होता है 2/1 1 माइनस एक्स अपॉन आर, आर क्या भैया 2/5, आर क्या है 2/5, तो दोस्तों वाई इक्वल टू 2x, दो लोग तो मिले 2 माइनस 5x, ओके डियर 2 से 2 उड़ा दे, ठीक है तो 2x माइनस 5x स्क्वायर ये ले, ये तेरा आंसर आ गया, लेकिन इक्वल टू y है, y सॉरी ये नहीं, y इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर। ओके थैंक यू। हाँ डियर क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन भी इक्वेशन को कंपेयर करना इक्वेशन के साथ, बहुत सिंपल सा है, यदि आपको इक्वेशन याद है तो भैया इसे आसान क्वेश्चन नहीं है, इक्वेशन आपको नहीं आती है तो इसे हार्ड क्वेश्चन नहीं है भैया। अगला साहब तो पढ़ लो क्या कहता है, अगला सिंपल कहता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 3 मीटर पर सेकेंड है, जी का मान दे दिया, रेंज पूछी है, वाई इक्वेशन दे दिया अगले ने, आ जा भैया थोड़ा सा मेरे साथ हो जा, वाई इक्वल टू 12x माइनस 5/9x स्क्वायर, और एक मैं जानता हूं कि इसका इक्वेशन जो होता है y का, वो मैंने आपको पढ़ाया, y इक्वल टू क्या है x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r, ठीक है। इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इक्वेशन के साथ, तो मैं आपके लिए साइड में आ जाता हूं दोस्तों, y इक्वल टू 12x माइनस 5/9x स्क्वायर, और ये तेरा y इक्वल टू क्या है x tan थीटा माइनस आपका ये 10 थीटा ले लो, नीचे आप r ले लो, और ये कौन हो गया एक्स स्क्वायर। अब कंपेयर करना सीख लो, तो दोस्तों कलर चेंज कर ले पेन का, अब इसका कंपेयर इससे करोगे तो यहां 12x है
एक्स टेन थीटा है, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो डियर टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 12। और दूसरे में अपन करना चाहें तो आप खुद देखें 5/9 एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन थीटा अपॉन आर एक्स स्क्वायर काट दो दोस्तों, आर की वैल्यू क्या आई देखो, खुद देखो आर ऊपर जाएगा ना, तो टेन थीटा आर इधर गया तो 9 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, तो आर इक्वल टू व्हाट इज टेन थीटा 12 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5। ओके डियर, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 12 को 5 से डिवाइड करो कितना आया 2.4, तो 9 दूनी 18 से कुछ ज़्यादा है और ये आपका आंसर आ गया 21.6 मीटर पर सेकेंड। ओके थैंक यू दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ लो। अगला जो कहता उस लैंग्वेज की फॉलो करना है, अगला कहता था स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट इज √32 टाइम्स इनिशियल स्पीड ए, तू जानता मैक्सिमम पे स्पीड क्या होती है हाइट पे यू कोस थीटा, सीधी सी बात है, भूल गया क्या, मैक्सिमम पॉइंट पे केवल कौन सा कंपोनेंट होता है यू कोस थीटा, बस यू से यू कैंसिल आउट, यहां एक बात पता लग गई दोस्तों, यू कोस थीटा का मान √3/2, इससे यह प्रश्न निकल गया कि यह जो प्रक्षेप पे है वो किस एंगल पे है 30 डिग्री पे है, बस हो गया। फिर क्या कहता है, इसकी प्रास इसकी ऊंचाई का पी गुना है, रेंज जो है वो पी गुना ऑफ हाइट है, वैल्यू पुट कर दूं आधार यू स्क्वायर साइन 2 थीटा इक्वल टू जी पी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g लतेरे कर रहा हूं, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर टिका दे, जी से जी टिका दे, ये देखते रहा साइन 2 थीटा, थीटा कितना 30, तो साइन 60 हो गया ना, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, आगे चल ये तेरा पी, ये तेरा साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा है, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, और ये 2 तेरा पहले से है, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो पी इक्वल टू 4√3, पी इक्वल टू 4√3। थैंक यू। देखो डियर क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 को मैंने कैलकुलेट करके देखा तो ये डेटा जो है ना इसके साथ तो इसकी वैल्यू बहुत अजीब से आती है, वो तो मैं करूंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, मैं इस डेटा को थोड़ा चेंज करके, वैसे क्वेश्चन लेवल का नहीं है बट फिर भी डेटा चेंज करके मैं इस क्वेश्चन को आप जरूर कराना चाहूंगा, मानो कि आप इस प्रकार का क्वेश्चन ले लो, कोई लो अपना पर्सन चेंज कर लेते हैं, ठीक है डियर, ये क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट ये है और डेटा चेंज कर लिया, वो ये कहता है कि इस वेलोसिटी से फेंका तो 0.4 मीटर की ऊंचाई पे हमें उसका 0.4 मीटर की हाइट पे तो इसका प्रक्षेपण कोण बताना, ध्यान दो मैंने प्रश्न चेंज नहीं किया है, मैंने केवल प्रश्न के डेटा चेंज किए हैं तेरी कैलकुलेशन इजी करने के लिए, कि मैं जब कैलकुलेशन करके देखी तो मुझे 10 मिनट लगे भाई, उसके बाद भी नन ऑफ दीज आंसर आ गया, कोई मतलब निकला नहीं। अब आप इसको समझने की कोशिश करो, इसका मतलब ये है कि इसका वाई कंपोनेंट का वेलोसिटी है 2, अक्ष की वेलोसिटी है 6। अब आप एक बात ध्यान दे क्लास देखो, ए ऐसे आप इसको बना लो और आप किसी ऐसे 0.4 मीटर के पॉइंट पे बैठे हो, देखो ध्यान दे क्लास 0.4 मीटर की हाइट पे आप यहां बैठे हो इस जगह, तो तू जानता है माय डियर यू एक्स तो पूरे क्या रहेगा कांस्टेंट, तो 6 कर दे, यू वाई चेंज हो रहा है ना, ध्यान दे ये याद रखना अपने प्रक्षेप गति में किसी हाइट पे यू वाई कैसे निकालें, तो दोस्तों आप जानते हो आपने पत्थर ऊपर की ओर फेंका है ना, तो वेलोसिटी कम होती समय के साथ, तो कितनी कम होगी, तो अपन जानते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, इसके वाई लगा, इसके वाई लगा, मुझे क्या चाहिए एक्चुअली में, ये वी वाई क्या है, ये डेटा देखो दोस्तों ध्यान सुनना, ये वी वाई है ना, ये वी है यू नहीं है, तो आपको क्या निकालना है यू वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा वी वाई स्क्वायर प्लस 2gh, ध्यान दे क्लास ये जो वेलोसिटी है वो 0.4 मीटर की हाइट पे है, हमें स्टार्ट यहां से करनी है। ओके डियर इसकी वैल्यू पुट करोगे तो वी वाई स्क्वायर ये रहा तेरा कितना 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, जी का मान 10, एच का मान क्या है 0.4, तो जरा बोलना भैया ये तेरा 4, ये तेरा क्या हो गया, ये तेरा 8, 12, तो दोस्तों यू वाई की वैल्यू क्या आ गई √12 है, बस याद रखें इजी हो गया, मैंने केवल इजी क्या देखना। ओके अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं तेरे लिए, अब तू खुद जानता है टेन थीटा क्या होता है, हो गया ना, टेन थीटा होता है यू वाई अपॉन यू अक्ष, व्हाट इज यू वाई √12, √12 का दोस्तों 4 × 3 लिख दूंगा, वी एक्स यू एक्स की वैल्यू क्या है वो आप जानते हो पूरी गति फिक्स होती है, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है तो 6 है, ये आपकी 6 होगी, रूट इसका 2 बाहर निकाल लो, ये √3/6, ये दोस्तों आपका 3, तो देखा जाए तो आंसर क्या है 1/√3, टेन थीटा 1/√3 किसका होता है बोलो बोलो 30 डिग्री का, ये लो आंसर क्या हो गया 30 डिग्री। फिर सुनना
क्वेश्चन टिपिकल था, डेटा इजी करके समझा दिया है। किसी भी हाइट पे आपको वेलोसिटी कंपोनेंट निकालने हैं, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट है, देखो वर्टिकल ऊपर की ओर जा रही है तो वी स्क्वायर, लेकिन इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, वाई, क्योंकि चेंज कौन हो रहा है, वाई नहीं कि एक्स। क्लियर, ओके, थैंक यू। डियर क्वेश्चन नंबर 38, अगला क्वेश्चन पढ़ लिया, पढ़ लो। साफ कहता है कि ए से बी तक जाने में इसका औसत वेग क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी एवरेज निकालने का मतलब वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ डिस्टेंस नहीं आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, आर के बराबर। टाइम क्या होता है, टाइम आर कौन है भाई, तू जानता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ओके, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और टाइम क्या होता है, तब याद कर ले यार, 2u sin थीटा अपॉन जी, 2u sin थीटा अपॉन जी, इसे कैंसिल आउट कर दे, यू से यू कैंसिल आउट कर दे, तो तेरे सामने ऊपर यू बचेगा 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन क्या है, 2 sin थीटा, इससे कैंसिल आउट कर दे, क्या बच गया, u cos थीटा। तो आंसर क्या गया दोस्तों, u cos थीटा। तो क्या चेंज हो गया, u cos थीटा, ओके, थैंक यू। ये दोस्तों 2D का एक अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्या कहता है, पढ़ लो। एक प्रक्षेपी गति के एक्स और वाई कंपोनेंट दिए हुए हैं, आपको इसका एंगल पूछा है अगले, तो एक्स और वाई कंपोनेंट है तो उसको चेंज कर लो वेलोसिटी। आप जानते हो, आप एक्स को dx/dt कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 36। इसको मैं क्या कह दूंगा, यू अक्ष, बोल हाया ना। अब ये तेरा वाई है तो इसका 2dy/dt, ओके, ये क्या है 96 माइनस ये 19.6t, इसको अपन क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ui, क्या आ गया तेरा 96 माइनस 9.6t मल्टीप्लाई 2। अब आप जानते हो घटना कहां से स्टार्ट होती है, t इक्वल 0 से, तो इसका t 0 पुट करोगे तो दोस्तों ui की वैल्यू क्या आ गई, 96 अपॉन 2 क्या आ गया, 48। बस तो आप सिंपल क्वेश्चन देखा जाए तो ये ux 36 है, ui 48 है। लो आ जाओ यार, किसी भी एंगल पे y कितना है 48, x कितना है 36। ले इसको काट के करें तो ये तेरा क्या है 3, ये तेरा क्या है 4, ये है 5। अब साइन पूछे कोस पूछे, सारे उत्तर किसमें है, साइन में है, तो साइन थीटा क्या होगा 4/5, थीटा इक्वल टू साइन। अब ये मेरे हाथ में नहीं है, कोस पूछता कोस बता देता, टेन पूछता मैं टेन बता देता, ठीक है। ये अगले ऑब्जेक्ट सारे ऑब्जेक्ट साइन में है, अपन साइन लेके, ओके, थैंक यू। क्वेश्चन 40 तो बच्चों वाला है, पढ़ लो। एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं, परवलयपथ गति करती है तो भूमि भी लौटती है, कौन सी राशियां संपूर्ण गति के दौरान नियत रहती हैं। दोस्तों आप जानते हो, केवल और केवल वेग का क्षितिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, या मोर देन वन की संभावना नहीं होती, इसलिए कंफ्यूजन जरूरत नहीं है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा परवलय पथ की गति में कॉन्स्टेंट रहता है, ओके, थैंक यू। हाँ भाई, इसमें क्वेश्चन 41 गायब हो गया, कोई छोड़ो, 40 रिपीट हो गया, 41 गायब हो गया, तो किस पे आएंगे अपन, 42 पे आएंगे, ठीक है डियर। दो साफ कोई क्वेश्चन, एक कण इस प्रकार गति करता, उसके अक्ष वाई ये निर्देशांक t पर, तो t 0 से t 5 सेकेंड तक इसका औसत वेग चाहिए। देखो डियर, इसका बताऊँ क्या है, आप जानते हो ये किसी ए पॉइंट है, मान लो ए पॉइंट क्या है 2.3, बी पॉइंट क्या है दोस्तों 6.7, ठीक है, और सी पॉइंट क्या है दोस्तों 13/14, आपको औसत वेग चाहिए। औसत वेग का मतलब है वेक्टर क्वांटिटी, फाइनल माइनस इनिशियल, इसका कोई रोल है? नहीं है, सीधी सी बात है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है तो आजा, व्हाट ये तो जानता है, आई कैप है तो 13 में से 2 निकाल, ये कौन है 11 आई कैप, 14 में से 3 निकाल, कितना बचा 11 जे कैप, ओके, टाइम कितना है 5 का भाग दे दे यार, तो 11/5 आई प्लस जे, ये आई है ये जे है, ये तेरे सामने आंसर आ गया 4th, ओके, थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन 43 पढ़े, कहता एक गेंद को छत से क्षितिज से 45 डिग्री कोण पे ऊपर की ओर फेंकते हैं, ए ध्यान दे ऐसा क्वेश्चन है, ए छत से ये क्षितिज है, इससे 45 डिग्री पे ए फेंक दिया, एक बात है, बोलो हाँ ना। देखो किसी गेंद को
छत यहाँ, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल है, इसे 45 डिग्री फेंका, ये जमीन पे कुछ सेकंड बाद गिरती है, गेंद की गति के दौरान किस बिंदु पे अधिकतम चाल होगी? भी कॉमन सेंस के बाद जब जमीन पे टकराएगी तो आंसर क्या होगा? थर्ड, जब उस बिंदु पे जब जमीन पे स्पर्श करेगी। इसमें एंगल का कोई रोल नहीं है, पृथ्वी पे मैक्सिमम वेग से टकराएगी गेंद। ओके थैंक यू दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल? कौन नियत है, मतलब कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य दोस्तों पहले हो गया ना, प्रक्षेपे का क्षितिज वेग नियत रहता है। भैया दो तीन क्वेश्चन थोड़े एक ही कॉन्सेप्ट पे आगे। ओके थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन 45 अब तक रामायण पढ़ी है ना, उसका हिस्सा है यार ईले, ये प्रबले है ना, और अब ये क्या कर रहा है कि वो कह रहा है कि साहब इतने की बात करनी है मेरे को, तो इसी पार्ट की बात करनी है। तो ऐसा अगर आप कौन सा है, फर्स्ट हो गया। अरे यार इधर वाई होता है, इधर टी होता है, तो वाई तो एच होता है, वाई कोच एच को, तो आपका आंसर आ गया। क्लियर, पूरा नहीं देखना इसमें, तो आपका आंसर कौन सा होगा इसका? फर्स्ट। ओके डियर थैंक यू। हाँ दोस्तों, जैसा आपको मैंने कहा था, हमने फिजिक्स के 20 टॉपिक बना रखे हैं पंच के नाम पे, जिसका सेकंड वीडियो आज 5 मई रात 10 बजे हमने कंप्लीट शूट कर दिया, जो 6 मई 2020 को आपको मिलने वाला है। आज दोस्तों आप जानते हो 5 मई को दिन में हमारे HRD डिपार्टमेंट ने नीट 2020 की डेट डिक्लेयर कर दी है, 26 जुलाई को आपके एग्जाम है, 80 दिन आपके पास हैं। इस वीडियो को वो बच्चे जो देख रहे हैं जिन्होंने अभी साल 12th किया, स्कूलिंग से किया है, किसी फाउंडेशन से किया है, तैयारी उसकी यदि ठीक नहीं है, तो आपके अपने CLC 11 मई 2020 से 80 दिन का क्रेश कोर्स स्टार्ट करने जा रही है। तो आप उस क्रेश कोर्स ऑनलाइन, लेकिन ये लॉकडाउन चल रहा देश में, ऑनलाइन क्लासेज रहेंगी, और उसकी विस्तृत बात करने के लिए दोस्तों आप CLC के वेबसाइट पर जाएँ, CLC.parivar.in पे जाएं, या CLC सीकर का मेरा फेसबुक पेज है, जहां मैं 7 मई को, यदि आप 7 मई के पहले देख रहे हैं तो 7 मई को इस लाइव बात करूंगा मैं, उसके बाद देख रहे हैं तो CLC सीकर के फेसबुक पेज को 7 मई की पोस्ट आप जाके देख लें। 11 मई से आपके अपने CLC JEE के लिए, नीट के लिए, हिंदी मीडियम अलग, इंग्लिश मीडियम अलग, और एग्जाम तक, यानी 20 जुलाई को आपकी JEE है और 26 जुलाई को आपकी नीट है, उनके लिए क्रेश कोर्स शुरू करने जा रही है ऑनलाइन ट्रैक पे। और ये क्रेश कोर्स चाहे लॉकडाउन कभी खुल जाए, पूरा ऑनलाइन रहेगा, इसमें ऑफलाइन कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। ओके डियर, तो 20 टॉपिक थे, दूसरा शूट कर दिया है, 18 बाकी हैं, अब कोशिश करेंगे हर दिन एक लेक्चर आपको दे दिया जाए। ओके थैंक यू, जय श्री।